मैंने बता दिया है, रूल ये है कि लाइव का, ठीक है, देखो मजेदार तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, कवर करेंगे, आराम से चिल्लो के बैठ जाइए, ठीक है। तो अब चीजें को कवर करते चलेंगे। हाँ, मैंने रूल बता दिया है कि जब मैं आपसे पूछूं कि कोई डाउट है तो आप डाउट अपना लिखिए कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और चीजों को देखते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो जरा सामने देखिएगा, कोई भी बीच में कमेंट मत करना जब तक मैं आपसे पूछूं ना कमेंट करने को, और जब तक मैं आपसे ना कहूं कि यहाँ पे डाउट है। तो डाउट क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम शुरुआत करने वाले हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक सेकेंड, कई दिनों बाद के स्टार्ट हुआ है तो मे बी कनेक्टिविटी थोड़ी सी। हाँ ठीक है, ओके। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब पहली बात तो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की ऑर्गेनिक में बात करता हूं तो ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, बल्कि इसको ये कहना सही रहेगा एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको बेटर तरीके से प्रेजेंट करूं तो हम लिखेंगे यहां पे एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। किस तरीके से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके ऑर्गेनिक में अननोन कंपाउंड से, अननोन मॉलिक्यूल्स के हम स्ट्रक्चर निकालेंगे, यानी एक तरीके से मैं कहूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो ऑर्गेनिक में अननोन कंपाउंड का एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती है। इसलिए इसको हम बेटर रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमने यहाँ पे बताया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड यहाँ पे आया स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बार ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड में तुम साफ साफ समझ पा रहे हो, एक स्पेक्ट्रा नाम आ रहा है जिसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो होता है लाइट से। एक स्कोपी मतलब उसका डायरेक्ट रिलेशन, एक स्पेक्ट्रा एक स्कोपी, मतलब स्पेक्ट्रा मतलब लाइट से रिलेशन, स्कोपी मतलब एनालिसिस कुछ करना, यानी लाइट का एनालिसिस करना, या फिर बेटर तरीके से वो रिप्रेजेंट करूं। देखो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई वे में लेके चलूंगा जिससे आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो जो बच्चा कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं भी पढ़ा है तो स्टार्टिंग से कनेक्ट रहना, आराम से सब कुछ समझ में आएगा, कोई ऐसा बड़ा हुआ नहीं होता, आराम से सब कुछ चीजें समझ में आएगी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत करने वाले, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैं अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहे, इसका मीनिंग समझना चाहे, तो मैं इसको तीन आई से रिप्रेजेंट करूंगा। थ्री आई जो होते हैं वो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। जो मेरा पहला आई है वो क्या बताता है कि पहला आई, ऑब्वियसली बात है, स्पेक्ट्रा मतलब लाइट से कनेक्टिविटी, स्कोपी मतलब एनालिसिस, मतलब यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ ना कुछ लाइट का यूज होने वाला है। तो पहला आई उसी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक मोलिक्यूल को, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल को जिसका एनालिसिस तुम करने जा रहे हो, उस ऑर्गेनिक मोलिक्यूल के ऊपर आने वाली जो लाइट है वो कैसे इंसिडेंट हो रही है, पहला आई उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी जो मेरा फर्स्ट आई है वो रिप्रेजेंट करता है कि इंसिडेंट कैसे हुआ है, इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट वेव कह लो या लाइट रे कह लो, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं सेकंड बात यहां पे करूं कि मेरा जो सेकंड चीज है वो ये है, आई सेकंड जो आई की रिप्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, पहला आई जो था मेरे पास लाइट आई मॉलिक्यूल मेरे पास है, लाइट पर इस पर टकराई किस पर्टिकुलर एंगल, जैसे कि तुम एक्सआरडी पढ़ोगे तो वहां पे एंगल का भी चीजें रिलेशन होता है, तो एक एंगल या इंसिडेंट किस तरीके से रहा वो मेरा फर्स्ट आई रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड आई जो होता है वो क्या होता है, जब लाइट आएगी, लाइट वेव जो भी आएगी यहाँ पे और मॉलिक्यूल के ऊपर जब टकराएगी तो कुछ ना कुछ उस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगी। जो भी मेरे पास यहाँ पे सब्सटेंस प्रेजेंट है, सब्सटेंस अंडर ऑब्जर्वेशन, जो भी मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे ही वो लाइट आएगी इसका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करेगी। तो सेकंड आई है वो उसी को रिप्रेजेंट करता है कि जो आने वाली लाइट है वो इंटरेक्शन कैसे कर रही है, यानी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ लाइट, इंटरेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहा है यहाँ पे। अब थर्ड आई की बात आती है, देखो हमने लाइट को इंसिडेंट भी करा दिया, मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट भी करा दिया, जब लाइट आई इंसिडेंट हुई मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होगी तो उसके बाद उस मॉलिक्यूल में और उस लाइट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस, यानी उन चेंजेस को समझना, उन चेंजेस को इंटरप्रिटेट करना ही एक तरीके से एनालिसिस कहलाता है। तो यानी जो थर्ड आई है वो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आने वाली लाइट का इंटरेक्शन के बाद मॉलिक्यूल और लाइट में क्या क्या चेंजेस आए, या उस सब्सटेंस या उस सब्जेक्ट और लाइट की वेव में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जो भी किसी भी चीज में पर्टिकुलर स्टडी करना हो गया उसमें जो जो चेंजेस आएंगे उसको हम कहेंगे उस चेंज को स्टडी करना इंटरप्रिटेशन। यानी जो थर्ड मेरा पॉइंट है वो इंटरप्रिटेशन का होगा, इंटरप्रिटेशन का होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंज, चेंज किसी में भी हो मेरे पास, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंज की हम यहां बात करने वाले।
तो इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंज की हम बात यहाँ पे करने वाले। तीन आई मैंने बताई, तीनों आई को हमने यहाँ पे बता दिया कि पहला इंसिडेंट कैसे हुई लाइट, मॉलिक्यूल पे आई इंट्रैक्शन होगा, तीसरा इंट्रैक्शन होने के बाद कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा, उसका इंटरप्रिटेशन करना। ये तीनों आई जो है वो फुल्ली स्पेक्ट्रोस्कोपी को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंप्लीट मीनिंग हमें समझाते हैं, लाइट का यूज होगा, इंट्रैक्शन होगा और कुछ ना कुछ चेंज होगा, उसको ऑब्जर्वेशन होगा, ये सारी मेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई भी हो, उसमें एक बात समझ में है कि यहाँ पे जो ये लाइट है ना, ये लाइट वर्ड बार बार आ रहा है, तो ये लाइट वर्ड बार बार आ रहा है, तो पहले अक्सर हम क्या गलतियां करते हैं कि जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं स्टार्टिंग में हम सीधा चले जाते हैं एनएमआर के अंदर, वो चीजें में चले जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, बल्कि उससे पहले तुम एक स्टेप पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनालिसिस तो बाद में पढ़ोगे, पहले तो ये पढ़ लो कि लाइट का क्या मतलब है। जो यहाँ पे ईएमआर या जो तुम सन से आने वाली लाइट ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज कर रहे हो उसका क्या मतलब है, वो चीज समझने जरूरी है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले बाकी की बातें प्रिंसिपल तो बाद में ही करेंगे, पहले तो ये लाइट ही समझ लो होती क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है और इसकी क्या क्या यूजेस है। यानी हम अपना जो अपना नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं वो ईएमआर की स्टडी करने जा रहे हैं। ये आप सब जानते हो कि जो सन होता है, जो भी मेरे पास सोर्स ऑफ जो भी लाइट होगा, तो उस मान लो एक्सपोज मैंने यहाँ पे सन बना दिया, मेरे पास ये सन है, इस तरीके से मेरे पास प्रेजेंट है, तो सन से आने वाली लाइट्स को हम कॉमन वर्ड्स में कहते हैं कि वो ईएमआर होती है। ईएमआर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसको हम कई बार अगर मैकेनिकल वेव्स, दो टाइप के हम मान लो कुछ वेव में डिफरेंशिएट करा रहे, एक होती है हमारे पास ईएमआर, एक हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, तो हम उसमें बेसिक क्या डिफरेंस बताते हैं। अगर मैं पीछे तुम्हें 11th 12th में लेके जाऊं तो हम कहते हैं ईएमआर को ट्रैवल करने के लिए स्पेस नहीं चाहिए, तो मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम को जरूरत नहीं पड़ती ईएमआर को, और जो मेरे पास मैकेनिकल वेव्स होती है उनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो एक प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि ईएमआर को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इसीलिए सन से स्पेस में ट्रैवल होकर आती है, जो बिना मीडियम के ट्रैवल होकर आती है उन लाइट्स को हम ईएमआर में कंसिडर कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन आया कि ये जो सन से हमारे पास वेव्स आ रही है, जिनको तुम एक्सरे, गामा रे, यूवी विजिबल रेज कुछ भी कहते हो, पहली बात तो ये सब ईएमआर है, पर ये सन से जनरेट कैसे हुई, पहला क्वेश्चन तो ये कि सन से जनरेट कैसे होती है, या वहां से इसका जनरेशन सोर्स क्या है, या फिर एक्चुअल में ये ईएमआर होती क्या है, पहला क्वेश्चन यही है, क्योंकि एक्चुअल में हम कभी इस बारे में डिस्कस ही नहीं करते कि ईएमआर क्या होती है। तो जरा ध्यान देना कि जो यहां पे हम लाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सन से लाइट जनरेट हो रही है, इनको हमने ईएमआर का नाम दिया, वो ईएमआर एक्चुअल में जनरेट कैसे होती है उसके बारे में बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुन लेना। सन से डायरेक्टली ईएमआर या ये सब चीजें जो होती है वो खुद से जनरेट नहीं होती, सन से जनरेट होते हैं फोटोन्स। यहाँ पे हम बात करूं, लेट्स सपोज मैंने कहा मेरे पास फोटोन जनरेट होगा, सन से क्या जनरेट होगा, फोटोन जनरेट होते हैं, फोटोन्स पैकेट ऑफ एनर्जी, सबने सुना होगा पैकेट ऑफ एनर्जी कहलाता है, फोटोन जनरेट होते हैं। और इस फोटोन की बात जब मैं करता हूं, जब ये फोटोन अपने डिफरेंट वेवलेंथ से ट्रेवल करता है, लेट्स सपोज मान लो एक फोटोन है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा फोटोन किसी पर्टिकुलर दूसरी वेवलेंथ से ट्रेवल कर रहा है, और जो तीसरा फोटोन है वो किसी पर्टिकुलर तीसरी वेवलेंथ से ट्रेवल कर रहा है, तो कहने का मतलब जब एक पर्टिकुलर एनर्जी का पैकेट अलग अलग वेवलेंथ से ट्रेवल करता है तो वो जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो तुम कहते हो गामा रेज, एक्सरेज, यूवी रेज, इन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी जो भी है पर्टिकुलर एनर्जी के बेसिस पे जो अलग अलग डिस्क्राइब करते हो, वो एक्चुअल में ईएमआर जो होती है वो एक फोटोन ही होता है। तुमने कभी देखा होगा कि मान लो ग्राउंड स्टेट पे हमने कोई एक ईएमआर डाल दी, लेट्स सपोज हमने कोई यूवी विजिबल डाल दी, तो कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, ऊपर चला जाता है, तो वो एनर्जी होती है क्या, वो एनर्जी एक्चुअल में फोटोन होता है। तो रियलिटी के अंदर ईएमआर जो कुछ नहीं होती वो एक्चुअल में फोटोन होता है। तो हमने बात करी फोटोन जब डिफरेंट वेवलेंथ से ट्रेवल करेगा तो वो ईएमआर का जनरेशन करता है, और इन्हीं ग्रुप ऑफ ईएमआर को कंबाइन कर करके हम एक रेंज में प्लॉट करते हैं। लेट्स सपोज मान लो मैंने कहा कि 0 से लेकर 100 तक की जितनी भी कोई पर्टिकुलर मैंने एक वेवलेंथ डिस्क्राइब कर दी, लेट्स सपोज नैनोमीटर में डिस्क्राइब कर दी कि 200 से लेकर 400 नैनोमीटर की, 200 से लेकर 400 नैनोमीटर जितनी भी वेवलेंथ होंगी वो सब के सब यूवी रेंज में आएगी। तो ऐसी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की रेंज हमने डिसाइड कर दी, उस रेंज में आने वाली सारी वेव्स क्या कहलाएंगी, यूवी वेव्स कहलाएंगी। तो ऐसे हमने डिफरेंट नाम्स रख दिए, और वो डिफरेंट नाम जो है वो आपके सामने यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है गामा रेज। जैसे मैंने कहा फोटोन डिफरेंट वेवलेंथ से ट्रेवल करते हैं तो ईएमआर का जनरेशन करेंगे, और एक ग्रुप ऑफ ईएमआर को हम एक पर्टिकुलर ईएमआर का या एक पर्टिकुलर वेव का नाम दे देते हैं, जैसे कि गामा रेज। ऐसे ही इसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है एक्सरेज। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो यूवी रेज होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो विजिबल रेंज की रेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है वो आईआर वेव्स होती है। फिर हमारे पास आएगी माइक्रोवेव्स, और लास्ट में हमारे पास आती है रेडियो वेव्स। ये सारी वेव्स हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। अब
अगर इन वेव्स की मैं बात करता हूं तो इन सब में जो सबसे ज्यादा एनर्जी की वेव होती है वो होती है गामा रेस, इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जब मैं इस लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो जो रेडियो वेव होगी उसकी एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, सबसे कम एनर्जी की वेव रेडियो वेव होगी। ऐसे ही अब मुझे पता है कि फोटोन के लिए जो मेरे पास इक्वेशन होती है एनर्जी की, फोटोन के लिए जो इक्वेशन होती है एनर्जी की उसको हम कहते हैं E इज इक्वल टू, मेरे पास सामने पता है E इज इक्वल टू एच म्यू, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, या E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के बेस पे अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो मुझे बताओ, अगर मैं बात करूंगा कमेंट करूंगा इसकी वेवलेंथ पे, तो बताओ गामा रे इसकी एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो इनवर्स रिलेशन है गामा इसका लैम्डा के साथ, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी, और इसकी अगर एनर्जी मिनिमम है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ऐसे ही लेफ्ट टू राइट एनर्जी डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट अगर मैं बात करता हूं वेवलेंथ की तो यहां पे जो मेरी वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज होगी। ये बहुत सिंपल सिंपल बेसिक बातें हैं जो हमने यहां पे देखी है। अब इनकी एनर्जी और वेवलेंथ, ऑब्वियसली बात है किसी एक प्रॉपर्टी को पकड़ो, लेट्स सपोज एनर्जी को मैंने पकड़ लिया, इसकी एनर्जी मैक्सिमम है उसकी एनर्जी मिनिमम है, तो इनकी एनर्जी के बेसिस पे है कि देखो एक हमने यहाँ पे पीछे से फिर से रिप्रेजेंट करो, अलग अलग वेवलेंथ से ट्रेवल किया तो मेरे पास अलग अलग यहाँ पे EMR जनरेट होगी। एक ग्रुप ऑफ वेव्स को, एक ग्रुप ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स को हमने किसी एक गामा में रख दिया, दूसरे ग्रुप को हमने एक्सरे में रख दिया, तीसरे ग्रुप को हमने यूवी में रख दिया, इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के नाम दे दिए, और इन हर एक वेव्स की एक पर्टिकुलर रेंज होती है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की रेंज होती है। अभी इन पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ जो ये नेम मैंने यहां पे रखे थे, इन सब को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सारी की सारी EMR होती है, ये सब के सब फोटोन से जनरेट होती है, ये सारी की सारी EMR होती है। ठीक है, अब इन क्योंकि सब के देखो गामा रेस एक्सरे यूवी रेस IR माइक्रो रेडियो इन सब की एनर्जी अलग अलग है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं सामने देखना कैसे। लेट्स सपोज मेरे पास एक कोई भी एक सब्सटेंस एक सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल है, तो ध्यान देना इस मॉलिक्यूल पे अगर मैं गामा रेस का इंसिडेंस कराता हूं, जो गामा रेस सबसे हाईएस्ट एनर्जी की है, तो गामा रेस का इंसिडेंस कराया तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, पहला पॉइंट। ऐसे ही इसी मॉलिक्यूल पे अगर मैं मान लो कुछ दूसरी कोई भी एक रेंज पकड़ ले, तो लेट्स सपोज मैंने IR का इस पे इंट्रैक्शन कराया, IR वेव्स को इसके ऊपर फेंका, तो क्योंकि गामा की एनर्जी अलग है IR की एनर्जी अलग है, तो मुझे एक चीज बताओ कि गामा वेव जब डालूंगा जो चेंज होगा पहली बात, जब IR इस पे डालूंगा जो चेंज होगा दूसरी बात, क्या दोनों चेंज सेम होंगे? नहीं, सेम नहीं होंगे। तो अगर चेंज सेम नहीं होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एनालिसिस होगा वो भी अलग अलग होगा, और एनालिसिस अलग अलग होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी काउंट होगी वो भी अलग अलग काउंट होगी। मतलब ये हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, उसके एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यानी एक बात समझ में आई, ये हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव जो होगी, पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ EMR वेव जो होगी वो किसी ना किसी डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज हो रही होगी, और उसी डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ ना कुछ वो प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल की डिस्क्राइब करेगी। तो वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आती है, क्योंकि जनरली कई बार अगर हम जब क्वेश्चंस देखते हैं नेट में देख ले या गेट में देख ले या फिर एग्जाम में देख लेते हैं या फिर किसी भी अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में देख ले, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। उसमें एक क्वेश्चन होता है कि बताओ ये वेव विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कराती है किसी मॉलिक्यूल पे डालने के बाद, कि मान लो वो बॉन्ड ब्रेक कराती है या कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ कुछ कराती है, पर्टिकुलर कोई भी चीज यहाँ पे कराती है, तो उसी को आंसर देने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली उसको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। तो जरा सामने देखना, पहली बात मेरे पास है गामा रेस की मैं बात कर रहा हूँ। गामा रेस और एक्स रेस ये दोनों के दोनों हाईएस्ट एनर्जी की रेंज है, गामा रेस और एक्स रेस दोनों के दोनों तुम देख रहे हो हाईएस्ट एनर्जी की रेंज है। तो जब भी तुम इन दोनों टाइप ऑफ वेव्स को, या फिर मैं कहूंगी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली गामा रेस को, जब तुम किसी मॉलिक्यूल पे डालते हो तो वो मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। गामा रेस की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है बॉन्ड के जो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होगा उसको ब्रेक कर देगी, तो यहाँ पे जो फिनोमिनन होता है वो बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमिनन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमिनन होता है। सिमिलरली एक्सरे की जो हायर एनर्जी की रेंज होगी वो ऐसा ही काम कर सकती है, पर एक्सरे की जो लोअर एनर्जी की रेंज होगी वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उनमें भी यूटिलाइज की जाती है, जैसे कि हमारे पास XRD हो या डिफरेंट डिफरेंट एक्सरे मेरे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पे वो यूटिलाइज की जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है मैं एक ही कैटेगरी में रख रहा हूं कि ये दोनों हाईएस्ट एनर्जी की रेंज है तो बॉन्ड ब्रेकिंग में काम आती है। इसमें मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो एक्सरे यहाँ पे गामा रेज होता है और एक्सरे की खुद की अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो उसमें डिस्कस किया जाता है। अब मैं नेक्स्ट में आता हूं, मेरे पास यहाँ पे यूवी विजिबल रेंज आती है। यूवी विजिबल रेंज के लिए मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनते रहना इस बात को, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कर देना। यूवी विजिबल रेंज हम बात करते हैं, तो यूवी विजिबल रेंज अगर ध्यान से देखें, यहां से यहां जाने पर
लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है. अगर एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है तो यूवी विजिबल वेव्स को जब मैं उसी मॉलिक्यूल पे डालूंगा, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे डालूंगा, तो क्वेश्चन ये है कि क्या जब मैं यूवी विजिबल रेंज को किसी मॉलिक्यूल पे डालूंगा तो क्या इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि ये बॉन्ड को तोड़ सकती है? तो हमने कहा नहीं नहीं, इतनी एनर्जी तो नहीं है, इतनी एनर्जी तो इन्हीं में थी, इन्हीं इसमें तो नहीं है. अगर इतनी एनर्जी इसके अंदर नहीं है तो फिर ये क्या करेगी? इसके अंदर यहां आते आते एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि ये बॉन्ड को तोड़ नहीं पाती. और जब बॉन्ड को नहीं तोड़ पाती फिर क्या करती है? फिर मैं बताता हूँ, सामने देखना. हर एक मॉलिक्यूल्स में हमने देखा है कि हमने एक नाम सुना है कि मॉलिक्यूल्स में एमओटी बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनते हैं. और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के अंदर दो, एक तरीके से मैं बात करता हूं तो दो चीज तुम हमेशा पढ़ते, एक होता है होमो, एक होता है लोमो. एक होता है होमो और एक होता है लोमो. होमो एक लोमो यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक लोमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप सफिशिएंटली प्रेजेंट होता है यूवी विजिबल रेंज के अंदर. मतलब इस रेंज की कोई भी अगर तुम मान लो वेव को उठाओगे, उसके अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो इस गैप को फिल कर सकती है. मतलब जब भी तुम यूवी विजिबल रेंज को किसी मॉलिक्यूल पे डालोगे तो वो होमो लूमो के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करा देंगे. तो यहाँ पे सेकंड सेट मुझे समझ में आया, यूवी विजिबल रेंज के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमेना नहीं हो सकता, एनर्जी कम होती है, तो फिर वो क्या काम करेगी? वो होमो और लूमो के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कराएंगी. तीसरी बात की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्सरे होगा, यूवी हो गया, बात है मेरे पास नेक्स्ट आईआर की. आईआर इंफ्रारेड रेस को हम नाम देते हैं इंफ्रारेड रेस. तो इंफ्रारेड रेस की हम बात करते हैं आईआर वेव्स, तो ऑब्वियसली बात है यहां से जाने पर एनर्जी डिक्रीज हो गई, बॉन्ड नहीं तोड़ पाई तो इसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा दिया. और यहां से जाने पर फिर से एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. जब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या आईआर वेव्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा पाएंगी? बॉन्ड ब्रेकिंग तो दूर, वो तो बहुत दूर की बात है, ये ही नहीं करा पाएगी, ये भी नहीं करा पाएगी, तो फिर क्या कराएगी? जब आईआर वेव्स की बात की जाती है तो वो ना तो बॉन्ड तोड़ पाती है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा पाती है. यहाँ पे वो बॉन्ड में वाइब्रेशंस पैदा करती है, बॉन्ड वाइब्रेशंस कराती है, वाइब्रेशंस कराती है बॉन्ड में वाइब्रेशंस. इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में जो मेरे पास एक तरीके से ट्रांजिशंस होते हैं उनको करा लेती है. यहाँ पे बॉन्ड वाइब्रेशंस होता है. फिर से नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोवेव, ज्यादा इसको डीप में नहीं लेके जाते हैं, माइक्रोवेव्स की बात करते हैं. तो माइक्रोवेव्स की अगर मैं स्टडी करता हूं तो माइक्रोवेव से फिर से एनर्जी कम हो गई, तो ना तो इन तीनों में से कोई भी काम करा पाएगी. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन का फिनोमिनल होता है, बॉन्ड रोटेशन कराती है, ना तो उसमें वाइब्रेशन जितनी एनर्जी होती है वाइब्रेशन करा ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड रोटेशन होगा, बॉन्ड रोटेशन का यहाँ पे फिनोमिनल. और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, मतलब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसके कोरस्पॉन्डिंग वो इंपॉर्टेंट है, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा एनएमआर. रेडियो वेव्स की बात करते हैं. रेडियो वेव्स में क्या है? एनर्जी मिनिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम है, एनर्जी मिनिमम है. तो इनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि ना तो बॉन्ड तोड़ पाती है, ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा पाती है, ना बॉन्ड वाइब्रेशन करा पाती है, ना बॉन्ड रोटेशन करा पाती है. तो फिर क्या कराती है? ये सिर्फ न्यूक्लियस की स्पिन को चेंज कराती है. जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, तुम बोलते हो प्लस ऑफ माइनस, ऐसे ही न्यूक्लियस की स्पिन एक क्लॉकवाइज न्यूक्लियस होगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर देगी. इस तरीके से बेसिकली मैं समझाऊं तो यहां पर रेडियो वेव जो होती है वो न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन कराती है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस कराती है. न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस जिस भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं उसी को हम यहाँ पे, या फिर इसी को कंसीडर करूं तो मैं यहाँ पे कहूंगा ये न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं या एनएमआर के अंदर, यानी जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो रेडियो वेव्स की हेल्प से स्टडी की जाती है. अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं गामा रे से बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमिनल हो गया, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे आता है बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमिनल. ऐसे ही एक्सरे की खुद की अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सआरडी वगैरह तुमने कंसीडर कर लिया है, बहुत सारी होती है. और यूवी विजिबल में हमने कहा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी विजिबल कॉरस्पॉन्डिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर के कॉरस्पॉन्डिंग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव के कॉरस्पॉन्डिंग तो वहां पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो. तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स को कॉरस्पॉन्ड करती है. और ये सारी चीजें जो होती है, यानी देखो ऑब्वियसली बात है एनर्जी प्रॉपर्टीज अलग तो उनका एनालिसिस अलग तो स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग, ये सारी चीजें जो होती है वो आपको पहले पता होनी चाहिए क्योंकि इनसे भी डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ सकता है. तो पहला जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो यहां तक लूंगा, बताइए कि मुझे यहां तक किसी को भी डाउट है क्या, फिर हम आगे चलते हैं. हाँ सब सीएसआर नेट भाई, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूं जो जो बच्चे कनेक्ट है, सीएसआर नेट गेट जेम कुछ भी हो सब के सब यहाँ पे सब कवर होगा इसमें, ठीक है? नेट गेट लेवल तक का पढ़ाऊंगा, ठीक है? बस स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है? जल्दी से कनेक्ट होते जाएं. देखो अब मैं एक चीज और बोलना आपको बताना भूल गया. देखिए
मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जब आपसे डाउट पूछ रहा हूँ तभी डाउट पूछना, और सेकंड अननेसेसरी डाउट अभी मत पूछना, क्योंकि अभी आप बेसिक बेसिक पे हो। आप कहोगे सर ये बता दो, तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाओगे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी, तो आपको अपने सारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिलता जाएगा, ठीक है। और साइड भी चीज़ें जो आपकी है, जैसे किसने काउंसलिंग की वीडियो डालेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, डालेंगे डालेंगे, सारी डाउट्स की हम बात नहीं करेंगे, इससे एक एक क्लास क्राइटेरिया मेंटेन होता है, ठीक है। तो जब मैं पूछूं आप बताते रहना कि नो डाउट नो डाउट, अभी तक तो सबके नो डाउट ही आ रहे हैं। कॉस्मिक वेव्स आर नॉट दी EMRs। कॉस्मिक वेव्स के अंदर एक मास फैक्टर होता है जो EMR में नहीं होता। ओके, तो अभी तक सबको किसी को डाउट नहीं था, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर को, थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फेज में आते हैं। ये तो थोड़ा सा भी हमने सिर्फ EMRs की बात की है। तो अभी तक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब समझा है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस स्ट्रक्चर्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं, इसलिए हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उस स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखा कि तीन आई से उसको डिफरेंस एक तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट का बड़ा यूज होता है, तो पहले लाइट को पढ़ते हैं, तो हमने लाइट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे मैं EMR की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्क्राइब कर दूँ, EMR के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ। तो जो EMR होती है उसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि EMR के अंदर जो होती है वो एक यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं, EMR के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टल फैक्टर की मैं बात करता हूं, तो हॉरिजॉन्टल फैक्टर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी नोट यहां पे दिख देता हूं कि हॉरिजॉन्टल फैक्टर में मेरे पास बी नोट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर वर्टिकल फैक्टर की बात करता हूं यहां पे, तो वर्टिकल फैक्टर में जिस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां, तो वर्टिकली मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो EMR के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये ऑसिलेशन की वजह से क्रिएट होता है, EMR की पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, कुछ वेव्स की अगर हम एक तरीके से बात करें कि मान लो ओवरलैपिंग की, मान लो एक वेव दूसरी वेव के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, तो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं वेव के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के, ठीक है। तो उनमें से एक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी दो वेव आपस में कब इंटरेक्ट करती है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन, या प्रोबेबिलिटी ऑफ उनकी, तुमने एक नाम सुना होगा, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो जी, इसको हम एक तरीके से डिफाइन करें तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के बारे में हम डिटेल में बाद में जाएंगे कभी आराम से। कभी अगर मैं नॉर्मली इसको अभी डिफाइन करना चाहूं, तो लेट्स सपोज मेरे पास मान लो दो वेव है, और हम कहते हैं अगर दोनों वेव सेम फेज में कंबाइंड हो जाए, दोनों वेव अगर सेम फेज में कंबाइंड हो जाती है, तो हम कहते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करता हूं, तो मेरे पास मान लो दो वेव्स हैं, अगर दोनों वेव्स को तुम अपोजिट फेज में कंबाइन कर दो, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे मेरे पास जो होता है एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना डिक्रीज होना, ये तो बात की बात है। उससे पहले ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कैसे हो गए, ये इंटरेक्शन, ये आपस में इंटरेक्ट कब होगी, या कितना अच्छा इंटरेक्ट होगी, कितना अच्छा कंस्ट्रक्टिव, कितना अच्छा डिस्ट्रक्टिव, वो चीजें जो होती है वो डिपेंड करती है एक इक्वेशन के ऊपर, या एक तरीके से एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना अच्छा कपलिंग ऑफ वेव्स होगा। कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ वेव्स होगा, कपलिंग ऑफ वेव्स की मैं बात कर रहा हूं, कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ वेव्स। तो इसमें हम कहेंगे कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ वेव्स में कि कंडीशन क्या होगी, जब मान लो ये म्यू वन इसकी फ्रीक्वेंसी है इस वेव की, म्यू टू इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो कहते हैं इन दोनों की कपलिंग उतनी अच्छी होगी जितनी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल होगी। अगर म्यू वन नियरली इक्वल टू म्यू टू आ जाएगा, तो इन दोनों की कपलिंग की टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब जितना नियरली इक्वल दोनों एक दूसरे के लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी वाइज, उतना ही अच्छा कपलिंग होगा, जितना अच्छा कपलिंग होगा उतना अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जितना अच्छा यहाँ पे कपलिंग मेरे पास नियरली इक्वल कंडीशन होगी, उतना ही अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हालांकि इसको डिटेल में मैं जब मैं मान लो कभी तो मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, तो XRD के अंदर जब हम जाएंगे तो उस टाइम पे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आपने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की चीजें हमने देख ली है, तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस थी, हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया। ये एक बात ध्यान रखना कि एक वेव के अंदर EMR के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अगर आप इस चीज को नोटिस करो, यहाँ पे एक अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर व्हाइट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ऑसिलेशन बिहेवियर दोनों के अंदर आ रहा है।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिंपल है, एक कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यहाँ पे एक ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओसिलेटिंग ओसिलेटिंग, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। जैसे कि तुम भाई पेंडुलम की बात करते हो तो पेंडुलम मीन पोजीशन पे है, एक बार मैक्सिमम पे जाएगा फिर से मीन पे आएगा, एक बार फिर से यहाँ पे मैक्सिमम पे जाएगा फिर से मीन पे आएगा, यानी ये जो पेंडुलम है बार बार एक ही वैल्यूज को रिपीट करता जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है फिर चक्कर को पूरा कर रहा है फिर से यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे कहने का मतलब वो ओसिलेट कर रहा है, वैल्यूज उसकी जो है बार बार रिपीट हो रही है, इसी को हम कहते हैं ओसिलेशन। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज में अगर तुम देखो यहाँ से जीरो से हम मैक्सिमम पे जा रहे हैं फिर से मीन पे आ रहे हैं फिर से मिनिमम या मैक्सिमम पे जा रहे हैं, इसको नेगेटिव ना कंसिडर करो तुम भाई, एक पीक ये वाली पीक है, फिर यहाँ से फिर से हम बात करेंगे फिर से मीन पोजिशन फिर से मैक्सिमम फिर से मीन, इस तरीके से जो वैल्यूज होती है वो एक तरीके से ओसिलेट हो रही है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जो है ओसिलेटिंग बिहेवियर अपने साथ रहते हैं, इनके साथ ओसिलेटिंग बिहेवियर होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की, वो एक ओसिलेटिंग बिहेवियर के साथ प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आपको एनएमआर या स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। तो लाइट के बारे में जितनी प्रॉपर्टीज हम सबको समझ चुके हैं, तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फटाफट बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, जल्दी से बताइए। कहाँ गए तुम लोग? यस सर सब कुछ क्लियर। अरे भाई सब दिख रहा है विनय भाई, उसको अपनी स्पीड को हाई पे कर लो, ऊपर कोने में से 1080 पिक्सल चल रहा है। यस शाहिद वानी दिस इज फ्री। शताब्दी चंदा एक बार आप रिपीट करके देख लेना बच्चा। ओके तो हाँ रोज रोज चलेगा विनय, सब कुछ रोज रोज चलेगा, ठीक है। ओके साइड बातें अभी नहीं करेंगे, लेक्चर के बीच में लेक्चर की बातें, टॉपिक से रिलेटेड बातें, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना जितने भी आपके नेसेसरी क्वेश्चन नहीं है या बाद के क्वेश्चन है आगे क्या होगा कैसे होगा वो सब बातें जो होंगी हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे या लेक्चर के लास्ट में करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर के लास्ट में जो क्वेश्चन होगा बाद में पूछना, अभी के लिए जो ये लेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं वही पूछेंगे, इसके अलावा हम बाद में बात नहीं करेंगे, बाद इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। विवेक आगाहरी इतना ज्यादा आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स की फील्ड स्ट्रेंथ होती है उनकी वजह से होता है, ठीक है। ओके मैंने पहले कहा अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछने का, अननेसेसरी क्वेश्चन पूछोगे तो बाकियों का टाइम वेस्ट होगा, चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आराम से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा, स्टेप टू स्टेप चलेगा, सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। तो ये सारी बातें जो थी अभी तक मैं आपको पीछे से कर रहा हूँ, तो हमने ईएमआर की स्टडी कर लिया, उसके बाद हमने ईएमआर की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो नेसेसरी है हमारे लिए, ऐसे तो बहुत सारी ईएमआर की प्रॉपर्टीज है पर पढ़ाने बैठ गए तो उसमें सारा काम उसी में लग जाएगा, पर अपने को तो मेन तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस थी ईएमआर की हमने सारी डिटेल पढ़ ली है, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, उनकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वही उनके अंदर ऑसिलेटिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग कपलिंग की हमने बात की, कपलिंग कब होगी पहली बात तो जब वो नियरली इक्वल होंगे, और नियरली इक्वल होने के बाद कपलिंग होने के बाद जितना अच्छा नियरली इक्वल होंगे उतना अच्छा कपलिंग होगी, कपलिंग दो तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सिंस क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के अंदर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है तो ज्यादातर जो स्टडी की जाती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली वेव्स की जाती है, कपलिंग के बाद जो ज्यादा स्टडी की जाती है वो कंस्ट्रक्टिव की जाती है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ईएमआरस के बारे में सारी डिटेल हमने स्टार्ट कर दी है, पढ़ ली है, उसके अलावा अगर हम बात करें हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कुल मिला के तीन चीजें या तीन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली पढ़ेंगे, एक होता है एनएमआर जो मोस्ट कॉमनली पढ़ी जाती है, एक हमारे पास है आईआर और एक मेरे पास आएगा यहाँ पे यूवी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब तुम में से कहोगे सर मास रह गया, मास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, मास एक स्पेक्ट्रोमीटरी है जिसके बारे में आप बाद में मास में जाकर डिटेल में पढ़ना, अभी के लिए मैं तीन बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एनएमआर आईआर और यूवी। एनएमआर के अंदर 1H1 भी पढ़ेंगे, एनएमआर के 1/13C भी पढ़ेंगे, तो जैम वाले एज वेल एज नेट वाले एज वेल एज गेट सबके लिए ये वैलिड रहेगा। एनएमआर के अंदर हम दो स्टडी करेंगे, पहले हम कवर करेंगे 1H1 एनएमआर, फिर हम 13C एनएमआर, और फिर बाद में हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पे भी जा सकते हैं, इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक एनएमआर की स्टडी भी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हम तीनों चीजें यहाँ पे कवर करने वाले, एनएमआर के स्टार्ट करेंगे 1H NMR में, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम 13 से उसके बाद लास्ट में जाके हम इनऑर्गेनिक एनएमआर के बारे में, इनऑर्गेनिक जो मेरे पास ये जो न्यूक्लियाई है उनके बारे में स्टडी करने वाले। तो ये मेरे पास ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक क्राइटेरिया है। फिर भी अब आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे कॉमनली हमने आप जब बात की है वो सबसे इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करने वाले, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो एनएमआर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे वो एनएमआर हो, चाहे वो यूवी हो, चाहे वो आईआर हो, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, वहां पे आपको कुछ ना कुछ जो टॉपिक्स है वो हमेशा कवर करने हैं। सब टॉपिक्स की बात करूं, सबसे पहले जो चीज यहाँ पे हमेशा कवर करनी है वो है बेसिक। इसका थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो उसका एक प्रिंसिपल होता है, उसके प्रिंसिपल के बारे में बात हो पता होना चाहिए आपको, प्रिंसिपल प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तीसरा, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रिंसिपल तो होता है, पर एक प्रिंसिपल जो होता है वो कुछ लिमिटेशंस तक ही वैलिड होता है, वो लिमिटेशंस कहलाती है सिलेक्शन रूल। यानी हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बेसिक कुछ पढ़ेंगे, उसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उस प्रिंसिपल के बाद वहां पे एक सिलेक्शन रूल होगा, उस सिलेक्शन रूल को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन रूल की बात करेंगे, सिलेक्शन रूल से हम नेक्स्ट जाएंगे तो जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है ग्राफ को समझना, कि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को समझने के लिए जो जो नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं वो हम सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यही सबसे बड़ा पोर्शन होता है ग्राफ, इसी में हमें डिटेल में सारी चीजें पढ़नी होती है, जितना भी बाकी का ये तो इनिशियली जल्दी जल्दी हम कवर कर सकते हैं, पर ये सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है इसमें ग्राफ का। तो ग्राफ आपको यहाँ पे बड़े डिटेल में समझना पड़ेगा, जो हम काफी ज्यादा लेक्चर्स में हम जाकर स्टडी करेंगे। आखिरी जो पॉइंट होता है वो होता है क्वेश्चन सोल्व करना, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिटेल में, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो ये पांच पॉइंट हमें कवर करने हैं, बेसिक प्रिंसिपल सिलेक्शन रूल, उसके बाद ग्राफ किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और उसके एक मेरे पास क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे जो कह रहे हैं वो ये कि आप अगर उसको अभी से ही कैटेगराइज कर लेंगे कि आपको क्या क्या करना है, मैंने वो कैटेगराइज करा दिया, तो एनएमआर हो, आईआर हो, यूवी हो, आपको इनिशियली ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। तो आओ शुरुआत करते हैं एनएमआर की, और एनएमआर में भी बेसिक की शुरुआत करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। बेसिक की बात कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पे तो मैं बेसिक की बात करूंगा, तो बेसिक में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ एनएमआर के अंदर कौन सी ईएमआर यूज होती है, पहला क्वेश्चन। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी वेव होती है, रेडियो वेव, एनएमआर के अंदर रेडियो वेव होती है। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है वो जैसा कि बताओ एनएमआर के अंदर कौन सी वेव होगी, तुमने कहा रेडियो वेव यूज होती है, रेडियो वेव, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कोई भी मेरे पास अगर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई या कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कोई एक एटम होगा, एटम का कोई ना न्यूक्लियाई होगा, उस न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें या उस मॉलिक्यूल पे जब मैं रेडियोवेव डालूंगा तो क्या होता है, जैसे ही एक मॉलिक्यूल पे रेडियोवेव डाली जाती है तो वो जो न्यूक्लियाई होता है वो अपनी स्पिन को चेंज कर लेता है। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा क्या फिनोमिनन होता है, यहाँ पे हम कहेंगे न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताऊं तो मैं कहूंगा लेट्स सपोज मेरे पास दो न्यूक्लियाई है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज या इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो एक मेरे पास एनर्जी की स्टेट ये वाली है, एक मेरे पास एनर्जी की स्टेट ये वाली है। तो जो मेरा आने वाली रेडियो वेव होगी, जैसे ही रेडियो वेव आएगी, रेडियो वेव की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही रेडियो वेव आएगी ये यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियाई होगा, ये ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियाई होगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने स्पिन को चेंज कर लेगा। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन। हल्का सा रिप्रेजेंट करके बताया। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, ग्राउंड स्टेट क्या है, डिटेल में आराम से धीरे धीरे वन बाय वन पढ़ेंगे, अभी तो मैंने जस्ट हल्का सा ओवरव्यू दिया है कि ऐसा कुछ होता है। अब फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, रेडियो वेव यूज की जाती है, जैसे ही ग्राउंड से टकराई तो क्या हुआ, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन हो गया। पर ये न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन हुआ कैसे, जो रेडियो वेव है उसके अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी, वो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी वैसे मेरे पास यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियो वेव का एब्जॉर्प्शन हो गया, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो गया, और उसी की वजह से यहाँ पे एक स्टेटमेंट और कही जाती है, वो स्टेटमेंट ये है कि एनएमआर जो होता है वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो एनएमआर जो है वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये एक छोटी सी बेसिक बेसिक बातें थी जो हमने यहाँ पे कवर कर ली है, तो ये बेसिक कवर कर लिया हमने इसका। अब यहाँ पे बेसिक की बातें तो हो चुकी है, एनएमआर के अंदर हमने देख लिया स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक बातें हमने पहले कर ली, एनएमआर के अंदर छोटी छोटी बेसिक बातें हमने अभी भी कर ली। फिर हम एनएमआर का अगर हमें नाम ध्यान से पढ़ते हुआ था न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मतलब ये कि यहाँ पे न्यूक्लियस का बड़ा यूज होने वाला है। अब ध्यान सुनना भाई, मजा आने वाला। अब तो जितनी बातें थी हमने पहले पढ़ ली वो सारी की सारी थोड़ी सी बेसिक थ्योरेटिकल बातें थी,
अब मजा आने वाला है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी न्यूक्लियस का यूज। न्यूक्लियस का यूज हमें अगर करना है तो पहले न्यूक्लियस के बारे में प्रॉपर्टीज उसकी कुछ ना कुछ पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या उसके फिनोमिनन्स हैं वो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते ब्रीफ में। तो जब मैं न्यूक्लियस की बात यहाँ पे करता हूँ, न्यूक्लियस की बात हम कर रहे हैं, तो तुम सब जानते हो न्यूक्लियस की अगर हम जब बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। एक न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, और इनफैक्ट वो न्यूक्लियस जो होता है वो स्पिन भी कर सकता है। स्पिन करने के मेरे पास मान लो बेसिक अगर मैं क्राइटेरिया लूँ तो दो तरीके हो सकते हैं। एक स्पिन वो जो होता है मान लो वो क्लॉक राइट हैंड में क्लॉक एक घूम गया, और एक मान लो वही न्यूक्लियस जो है वो मेरे पास एक तरीके से अगर मैं कहूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नाम दो तो क्लॉकवाइज में घूम गया, एक एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया। तो ये मेरे पास दो स्पिन प्रेजेंट है इस तरीके से, और उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन तो हम कहेंगे चार्जलेस है, प्रोटॉन जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। आप ध्यान से सुनना, ये एक छोटा सा पार्टिकल है या छोटी सी एक चीज मेरे पास प्रेजेंट है जिसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन नाम के। तो अगर इसके अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो दुनिया की कोई भी कंडीशन देख लो, दुनिया में कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर चार्ज है और वो किसी एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एक चार्ज पार्टिकल जब जब रोटेट होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, इस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। और इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी एन सी, बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, एन जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूक्लियस का नाम रखने के लिए यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये आता है, पहली बात तो ये, अच्छा वो उसको मैं क्लॉकवाइज घुमा दूं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, अगर दोनों के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है तो क्या दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा डिफरेंट होगा, पहला क्वेश्चन। तो मैं बेसिक बात बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज पार्टिकल सेम है और यहाँ पे मेरे पास स्पिन जो है, स्पिन की वजह से अगर मैं बात करें तो चार्ज पार्टिकल की वजह से जो जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड का जो एक तरीके से उसको मैं कहूँ कि जो आगे की एक मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर दोनों में नंबर सेम हुए तो दोनों का जो मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल ही होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे डायरेक्शन का, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, उसी ट्रांजिशन की वजह से, उसी रोटेशन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो एक डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं, तुमने कभी सुना होगा 11 12th में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, तो इसके निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भाई देखो, राइट हैंड थंब रूल, मेरा राइट हैंड है, मेरा पाम है, मेरा थंब है, तो कहता है कि पाम को रोटेशन की डायरेक्शन में घुमाओ, रोटेशन की डायरेक्शन में घुमाओ, ये मेरा रोटेशन है इस डायरेक्शन में, राइट हैंड में इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। पाम को रोटेशन की डायरेक्शन में जब घुमाओगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ला के देगी। ये मेरे पास इस वाले न्यूक्लियस जो कि इस तरीके से घूम रहा है उसकी वजह से जो डायरेक्शन आई है वो अपवर्ड डायरेक्शन आई है, तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या आएगी। इसको समझने के लिए हमें पाम को नीचे करना पड़ेगा। अब की बार ये पाम जो है वो इस तरफ घूम रहा है, इस तरफ, अगर ये पाम को इस तरफ घुमाएंगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, अगर मेरे पास चार्ज पार्टिकल सेम है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पर यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड होगी। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इतना ही हमने यहाँ पे समझा है। तो यहाँ से मुझे बात समझ में आई कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अगर न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो मैं एक न्यूक्लियस को एक टिनी मैग्नेट के नाम से भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं न्यूक्लियस को एक टिनी मैग्नेट भी कह सकता हूँ, टिनी मैग्नेट भी कह सकता हूँ, टिनी मैग्नेट। और जब जब एक मैग्नेट का नाम आता है तो हमें पता है मैग्नेटिक, मैग्नेट के कोरस्पॉन्डिंग हम मैग्नेटिक, जो मेरे पास मैग्नेट के कोरस्पॉन्डिंग उसके पोल्स भी डिफाइन करते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये भी हम उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन करते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो लेट्स सपोज मैं कोई भी एक चीज मान लूँ, मेरे पास यहाँ पे पोल्स अगर मैं डिस्क्राइब करने चलूँ, तो अब देखो तुम किसी को भी साउथ किसी को भी नॉर्थ मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये ऊपर वाला साउथ है नीचे वाला, तुम ये सब चीज़ें जो होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये वाला अगर नीचे वाला नॉर्थ है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो अगर ये वाला नॉर्थ है तो ऊपर वाला साउथ होगा पक्का,
अगर एक को डिफाइन कर दिया तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा डिफाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये नीचे नॉर्थ है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। अब तुम कहोगे सर ये साउथ क्यों नहीं हो सकता नीचे वाला, अरे ले लो तुम्हारी मर्जी है, इसको साउथ ले लोगे तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, अगर ये साउथ है तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक दूसरे के ये अपोजिट होंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हमने न्यूक्लियस के बारे में अब डिस्क्राइब कर लिए। तो ये मेरे पास न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज आ गई है, ये हमने न्यूक्लियस के बारे में चीजों को डिस्क्राइब कर लिया है। अब मुझे बताओ कि यहां तक की कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आई है, फटाफट बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए, फिर मैं आगे चलने वाला हूं। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल की तरफ थोड़ा सा आगे जाएंगे कुछ कुछ चीजें और डिफाइन करके। तो यहां तक सबको समझ में आया तो फटाफट बताइए। बाकी सब भी कमेंट करो रे जल्दी से। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलो कि लाइव में जुड़े हो, ठीक है। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, टॉपिक पूरा कंप्लीट कराएंगे इसमें, ठीक है। मजा आएगा, ऐसे आराम से चीजों को पढ़ेंगे, फ्री ऑफ क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, आराम से कनेक्ट होते जाए और चीजों को कवर करते जाए, ठीक है। ओके ओके, तो सबका रिप्लाई आ चुका है, मोस्ट ऑफ सबको क्लियर है। अब हम चीजों को और आगे लेके जाते हैं। देखो मैं फिर से ब्रीफ करा रहा हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चल रहा हूँ। एनएमआर के अंदर हमने स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ा, कुछ कुछ पॉइंट्स से वेव्स कौन सी यूज होगी, क्या ट्रांजिशन होगा, न्यूक्लियस में ट्रांजिशन होगा। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया कि वो एक टिनी मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसके मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को डिस्क्राइब किया जो कि राइट हैंड थंब रूल से आता है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाने वाले हैं, जरा समझना, ध्यान से देखना यहाँ पे। जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो मैंने कहा था कि हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, आपको उसका एक तरीके से प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, उसका सिलेक्शन रूल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। तो वो कहां तक वैलिड होगा वो डिस्क्राइब करेगा सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। एनएमआर के अंदर मैं पहले प्रिंसिपल नहीं, पहले तो मैं सिलेक्शन रूल पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ पहले देख लेते कि कौन कौन से न्यूक्लियस पे एनएमआर लगेगा, कौन कौन से न्यूक्लियस पे एनएमआर नहीं लगेगा। कहने का मतलब किस किस न्यूक्लियस को एनएमआर डिटेक्ट कर सकता है, किस किस न्यूक्लियस को एनएमआर डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी किस किस न्यूक्लियस का हम एनएमआर स्टडी कर सकते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं, और किस किस का एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं निकाल सकते, उसको हम कहेंगे सिलेक्शन रूल। उसको पहले कवर कर रहे हैं एनएमआर के अंदर, बाकी सब में हम बाद में कवर करेंगे बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो मैं अभी पहले सिलेक्शन रूल करा रहा हूं, सिलेक्शन रूल की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल तरीका समझने वाला, आधे लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिलेक्शन रूल, पहली बात तो एनएमआर के अंदर जो सिलेक्शन रूल होता है वो डिस्क्राइब होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस पे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये क्या बोला है, क्या चीज है, तो जैसे कि तुम्हारे पास इस पहली बात तो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू एस होती है, प्लस आप माइनस आप जो भी एक्स वाई जेड वैल्यूज तुम कंसीडर करते हो, ऐसे ही न्यूक्लियस की भी क्वांटम लेवल पर हम स्टडी करते हैं, तो वहां पे इसका क्वांटम नंबर डिफाइन होता है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, उसको हम आई कहते हैं। अब इस आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पाई जाती हैं, तो उसको मैं दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहा हूं, एक वो न्यूक्लियाई जिनके लिए आई की वैल्यू जीरो आती है, एक वो न्यूक्लियाई जिनके लिए आई की वैल्यू जीरो नहीं आती है। तो सिंपल सा फंडा है, वो न्यूक्लियाई जिनके लिए आई की वैल्यू जीरो आती है, ऐसे न्यूक्लियाई के अंदर स्पिन जो होती है वो एब्सेंट होती है, स्पिन प्रेजेंट ही नहीं होती, स्पिन एब्सेंट होती है। और जब किसी के अंदर स्पिन एब्सेंट है तो उस मॉलिक्यूल को तुम डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो कहने का मतलब स्पिन एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल को देखो, ऑब्वियस बात है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ रहे हैं, एनएमआर में स्पिन ट्रांजिशन, एक स्पिन से दूसरे स्पिन में जाना, और किसी में स्पिन नहीं है तो कहेगा ट्रांजिशन कराओगे भाई। तो ये मेरे पास i इज इक्वल टू जीरो वाले जितने न्यूक्लियाई होंगे उनमें स्पिन एब्सेंट होगी, और स्पिन एब्सेंट होगी तो वहां पे ट्रांजिशन नहीं करा पाओगे, यानी यहां पे जो होती है वो एनएमआर एक्टिव नहीं कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई। एक्टिव इनएक्टिव का मतलब होते हैं, एक्टिव का मतलब वो न्यूक्लियाई जो एनएमआर में डिटेक्ट किए जा सकते हैं, इनएक्टिव का मतलब वो न्यूक्लियाई जो एनएमआर में डिटेक्ट नहीं किए जा सकते। तो यहां पे स्पिन
एब्सेंट होने की वजह से ट्रांजिशन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे जो जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो सब के सब एनएमआर इनएक्टिव कहलाएंगे, मतलब इनको एनएमआर में स्टडी नहीं कर सकते। ऐसे आई इज इक्वल टू या आई नॉट इक्वल टू जीरो वाले जितने भी न्यूक्लियाई होंगे सबके अंदर कुछ ना कुछ, अगर आई की वैल्यू प्रेजेंट है, अगर कुछ ना कुछ आई की वैल्यू प्रेजेंट है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पिन प्रेजेंट होगी, और उसकी अगर स्पिन प्रेजेंट है तो उसकी स्पिन चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो सब के सब एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा तुरंत आएगा, सर कि हमें कैसे पता चलेगा आई की वैल्यू जीरो है, हाफ है या कुछ है। तो पहली बात तो ये वैल्यूज होते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स से निकालते हैं। आप किसी भी न्यूक्लियाई की क्वांटम मैकेनिक्स से वैल्यू निकालोगे, मतलब जो भी है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मतलब आप थ्योरेटिकली अगर आप कहो कि आपको मैथमेटिकली मैं निकालने को बोल दूं तो आप तुरंत नहीं निकाल सकते किसी की भी आई की वैल्यू, वो आपको याद करनी पड़ेगी या तो, या फिर इसके एक ऑल्टरनेट तरीका हमने निकाला है, क्योंकि आपने समझ लिया कि सर मुझे अगर आई की वैल्यू याद ही नहीं है, लेट्स सपोज मैं तुमसे एक न्यूक्लियाई दे दूं और पूछूं इसकी आई की वैल्यू क्या है, जब तक तुम्हें उसकी आई की वैल्यू या तो याद नहीं होगी या फिर तुम्हें उसका एक प्रॉपर वे नहीं, वो तुम नॉर्मली निकाल नहीं सकते हो मैथमेटिक्स, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। तो यहाँ पे चीजें मैं कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू क्योंकि हमने डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, या तो हमें याद होनी चाहिए, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे हम कैसे बताएं कि कौन सा न्यूक्लियाई एक्टिव है कौन सा न्यूक्लियाई इनएक्टिव है, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बताओ ये न्यूक्लियाई है भाई, ये एक्टिव है नहीं एक्टिव बता दो। अब वो न्यूक्लियाई की आई की वैल्यू क्या हो तुम्हें क्या पता, अनटिल अनलेस तुम्हें याद ना हो, एक ही कहानी कंडीशन हो सकती है कि तुम्हें याद हो उसकी वैल्यू, अगर याद नहीं है तो कैसे बताओगे। तो सिंपल से एक मेथड इसके लिए ऑल्टरनेटिव यूज किया गया, और वो मेथड जो है वो सिंपली डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियाई एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, वो यहां पे डिस्क्राइब किया गया। तो जरा सामने देखना, अगर कोई भी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर एंड किसी भी न्यूक्लियाई का मास नंबर इवन आ जाए तो ऐसे जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो सब के सब एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई कहलाएंगे, एनएमआर इनएक्टिव। अब तुम कह सर एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन होने से क्या हो जाता है, इस चीजों को हम डिस्क्राइब करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जनरली जितने भी मोस्ट ऑफ चीजों में देखा गया है कि जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन पाया जाता है वो स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं जनरली। तो वो चीजें जो हम वहां पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रिलेट कर सकते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन है तो इवन और इवन यहाँ पे एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई कहलाएंगे। ऐसे न्यूक्लियाई के लिए इवन जहां पे वो न्यूक्लियाई जहां पे एटॉमिक नंबर मास नंबर इवन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल की बात करें जैसे कि मेरे पास 6C12 O8 16, ये न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन है तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस होंगे एनएमआर इनएक्टिव होंगे और इनके लिए जो आई की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई। और अगर इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू ओड हो जाए, या तो एटॉमिक नंबर ओड हो जाए या मास नंबर ओड हो जाए, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर ओड हो जाए तो वो न्यूक्लियाई जो होगा वो एनएमआर एक्टिव बन जाएगा। पर उसमें भी दो कैटेगरी बनाएंगे, कैसे जरा सामने देखना। पहली कैटेगरी, अगर मैं कह दूं कि मास नंबर ओड हो जाए, देखो इन दोनों में से कोई एक ओड होना चाहिए, ये ओड हो चुका है, अब ये ओड हो चुका है तो एटॉमिक नंबर चाहे तुम इवन ले लो चाहे तुम ओड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो ओड ही है ना, एक ओड होना चाहिए, एटलीस्ट एक ओड, इन दोनों में से कोई भी ओड होगा तो वो एनएमआर एक्टिव कहलाएगा। तो ये कैटेगरी जहां पे मास नंबर ओड हो जाए और एटॉमिक नंबर चाहे इवन है चाहे ओड आ जाए, तो इस केसेस में जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो सबके सब एनएमआर एक्टिव होंगे, पर उनके लिए जो आई की वैल्यू होगी वो हाफ का इंटीग्रल होगी। अब ये हाफ का इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पे एन की वैल्यू जो होगी वो वो 1, 3, 5 ओड वैल्यूज की मैं बात करूंगा, 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ वैल्यू आ जाएगी, 3 वैल्यू पुट करेंगे 3/2, यानी ये आई की वैल्यू जो होगी ऐसे न्यूक्लियाई के लिए 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है तो ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो होंगे वो एनएमआर एक्टिव होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो सबसे सिंपल एग्जांपल 1H1 का आ जाएगा, और उससे कॉम्प्लिकेटेड उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 13C जो मेरे पास होता है 6C13, ये मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। अब तुम देखो 1H1 में एटॉमिक नंबर भी ओड है मास नंबर भी ओड है, 13C में एटॉमिक नंबर इवन है और मास नंबर ओड है, पर दोनों में मास नंबर ओड है, एक में एटॉमिक नंबर ओड है और एक में एटॉमिक नंबर इवन है, तो ये दोनों का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, तो इनकी आई की वैल्यू हाफ का इंटीग्रल होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी केस की बात करूं, अगर एटॉमिक नंबर ओड हो जाए तो यहाँ पे
इवन वाला ही केस बचा है, क्योंकि ओड वाला तो मैंने ऑलरेडी कंसिडर, देखो ओड ओड अगर मैं यहाँ पे भी ओड लिख देता तो ओड ओड का केस तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर एटॉमिक नंबर ओड हो जाए तो यहाँ पे एक ही केस बचा इवन वाला, ओड इवन के केस मैंने कहा दोनों में से कोई एक भी ओड होना चाहिए तो एलएमआर एक्टिव होगा, पर यहाँ पे डिफरेंस इतना आएगा कि यहाँ पे जितनी भी आई की वैल्यूज होगी वो वन का इंटीग्रल होंगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से वन का इंटीग्रल होंगी, और ऐसे ही एनएमआर एक्टिव तो होगा पर उनकी जो वैल्यूज होंगी वो वन का इंटीग्रल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर N714 यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर ओड है, पर ये भी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसको भी हम NMR एक्टिव कैटेगरी में रखेंगे। तो ये है सिलेक्शन रूल जिसको हमने एक तरीके से, क्योंकि हमें आई की वैल्यू याद नहीं हो सकती तो हमने एक इनडायरेक्ट तरीका निकाल लिया। ये चीज़ें जो होती है वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर डिसाइड की जाती है, मतलब पहले तुमने बहुत सारे न्यूक्लियाई देखे उनमें से छाट लिए ये एक्टिव है, उन एक्टिव में से हमने कैटेगरी बनाई, अच्छा ये वाले एक्टिव की एक कॉमन चीज़ आ रही है, ये वाले एक्टिव की कॉमन चीज़ आ रही है, वो कॉमन चीज़ आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कौन कौन से एक्टिव होंगे कौन कौन से इनएक्टिव होंगे, यहां से हम उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इस न्यूक्लिया के बारे में ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये नीचे ऑप्शन दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई, तो ये चेक कर लेना आराम से आंसर आ जाएगा। तो फटाफट बताओ कि यहां तक सबको समझ में आएगा, जल्दी से बताइए। मलकन सिंह, पोर्चा, मनोज, बच्चों अभी आराम से पढ़ते रहो। एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। श्री श्रीनिवासलु, श्रीनिवासलु आपको जो समझ नहीं आया मुझे वो बता देना, मैं वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे तो पूरा लेक्चर करने में तो काफी टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी के बैठे हुए हैं तो उनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आई, तो जिस पर्टिकुलर देखो इतना तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, बट मोस्ट ऑफ तो इंग्लिश में लिख तो मैं इंग्लिश ही रहा हूँ, पर किसी पर्टिकुलर केस में आपको मान लो हिंदी वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे बोल दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर केस को एक्सप्लेन कर दूं इंग्लिश में, पूरा का पूरा लेक्चर इंग्लिश में एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर तो पर्टिकुलर एक डिफरेंट सीरीज आएगी उस सीरीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मनोज सिंह कह रहा है आई की वैल्यू हाफ होगी, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्वांटम मैकेनिक्स से पता चलेगा, याद करना पड़ेगा, मजबूरी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये तरीका है। ओड ओड वाला केस ये रहा भाई, ओड ओड वाला केस, 1H1 ये ओड ओड वाला केस है, सब क्वांटम मैकेनिक्स है। ज्ञानेंद्र पांडे कोई काम नहीं है अपना वहां पे जाने का, क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा सीरीज चालू होगा भाई। हाँ बता दू तो हल्का सा जहां तक मुझे याद आ रहा है तो मे बी क्वांटम मैकेनिक्स भी इंक्लूड होगा, तो आराम से मन भर के क्वेश्चन पूछ लेना वहां पे। पहले तो बहुत मेजर मेजर टॉपिक कराएंगे त्यागराज, जो आपके 24 पर्टिकुलर सिलेबस में है उसमें बहुत ज्यादा पोर्शन रखता हो, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज रखता हो। एन की वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर सकते बच्चों, ये सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स से निकाल के लाओगे। 16, अरे 6C 6 12 में और 36C, ये कह रहा है कि राहुल ठाकुर की भाई इसमें और इसमें डिफरेंस बता दो। देखो भाई सिंपल सा कुछ डिफरेंस नहीं है तुम्हारे सामने, ये डिफरेंस है ये वैल्यूज जो है वो ये तुम्हारे पास मास नंबर, इसमें मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों में इवन इवन आ रहे हैं, एनएमआर इनएक्टिव है, और इसके अंदर तुम्हारे पास मास नंबर ओड आ रहा है तो ये एनएमआर एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, ये सारी कहानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। ओके बच्चों तो ठीक है, ओके तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका, बहुत ही बेसिक अभी तो हमने कवर किया है। अरे बस शांति से जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज शांति से बैठे रहो और जी भर के देखते रहो बस चीजों को, यहाँ पे समझते रहो, एक एक तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, पर जस्ट वेट एंड वॉच, मतलब देखते रहो बस यहाँ पे आराम से। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को हम चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि तुम जिंदगी के पहले लेक्चर में पहले 10 मिनट में पूरा लेक्चर सीख जाओ या पूरा एनएमआर सीख जाओ, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको समझने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक करके वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एकदम से सारे नहीं होंगे। ठीक है, तो इनिशियल है आराम से, इतनी गारंटी कि 2 लेक्चर 3 लेक्चर जब तक आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका बेसिक प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद 2-3 लेक्चर के बाद आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो सीखने का टाइम है, सीखते रहो। ठीक है, और सीखने में जो मैं बता रहा हूँ उसमें जो डाउट आ रहा है वो मुझसे पूछते रहो,
ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे हमने अभी तक न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है भाई जहां जहां काफी सिलेबस में कवर होता, स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी के बाद जितने पेपर्स होते हैं सब में आता, स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी या बीएससी का जितने पेपर्स होते सब में आता है, चाहे वो जैम हो, नेट हो, गेट हो, चाहे कोई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो, सब में आएगा। ओके, तो ये हमने न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर ली। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, अब हम कहते हैं कि जब भी हम बात करें किसी भी एक न्यूक्लियस की, हम बात करें न्यूक्लियस का अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उसका खुद का जिसको हमने बीएन रिप्रेजेंट किया। अब ध्यान से समझना स्टार्ट कर देना, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे आगे। न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे थे हम, न्यूक्लियस में कहा कि न्यूक्लियस का खुद का एक स्पिन होता है मेरे पास यहाँ पे, और उस स्पिन की हम बात करें तो स्पिन की वजह से जब हम उसको एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वहां पे क्वांटम यानी क्वांटम एनर्जी लेवल्स क्रिएट होते हैं उस खुद के न्यूक्लियस के। ठीक है, तो उस क्वांटम एनर्जी लेवल्स को हम क्वांटम स्टेट का नाम देते हैं। जैसे तुमने इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट्स के नाम दिए थे, ऐसे ही न्यूक्लियस के भी क्वांटम एनर्जी लेवल के जैसे उनको हम क्वांटम स्टेट्स का नाम देते हैं। क्वांटम न्यूक्लियस की स्टेट होती है, स्पिन स्टेट्स कहते हैं उसको, स्पिन की भी स्टेट्स बनती है। जैसे तुम इसको कह रहे हो ना, ये स्पिन स्टेट है न्यूक्लियस की, तो ये स्पिन स्टेट किसमें कितनी होगी वो हम कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि जब तक स्पिन स्टेट नहीं पता चलेगा तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर कितने ट्रांजिशंस हो रहे हैं। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि मान लो मेरे पास मान लो दो ही स्पिन है, एक क्लॉकवाइज और एक मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेट्स सपोज किसी में तीन मेरे पास स्पिन स्टेट्स बन जाए, तो एक ट्रांजिशन यहां भी हो सकता है, एक ट्रांजिशन यहां भी हो सकता है। तो जरूरी है पता लगाना कि कितने स्पिन स्टेट है, जितने स्पिन स्टेट होंगे उतना ही ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो तो सिलेक्शन रूल के बेसिस पे होंगे कि होंगे या नहीं होंगे, पर पॉसिबिलिटी है। तो वो स्पिन स्टेट्स पता लगाना, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं स्पिन स्टेट्स की न्यूक्लियस के स्पिन स्टेट्स की बात करते हैं, तो जो न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट्स होती है उसको हम डिफाइन करते हैं या वो निकालते हैं 2i+1 इस वाले फॉर्मूले। जब कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, ये सिंपल सा एक मेथड होता है। आई की वैल्यू जो होती है आप प्लस से लेकर इसमें से एक प्लस आई में से एक माइनस वन कर दीजिए, ऐसे ही मेरे पास सीरीज चलती रहेगी, और फिर एक माइनस आई में से प्लस वन कर दीजिए और लास्ट में माइनस आई। तो ये प्लस आई से लेकर माइनस आई तक की जो टोटल वैल्यूज होती है वो सारी यहाँ पे कंसिडर की जाती है। ठीक है, जैसे कि 1H1 के एग्जाम्पल देता हूं मैं, तो 1H1 के एग्जाम्पल की मैं बात करते हैं, तो 1H1 के एग्जाम्पल की बात करते हैं। 1H1 के लिए हमने देखा आई की वैल्यू जो होती है, अगर मैं बताऊं आपको, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, आई की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है। अगर आई की वैल्यू हाफ है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पिन स्टेट अगर मैं निकालू, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट मैं निकालता हूं तो इक्वल आएगा आई की वैल्यू, पुट करो यहाँ पे 2 × 1/2 + 1, तो 2 से 2 कटेगा, सिंपल से आएगा 1 + 1, 2 स्पिन स्टेट्स आ रहे हैं। और ये दो स्पिन स्टेट होती है उसमें हम कहेंगे एक मेरी प्लस हाफ होती है और एक मेरी माइनस हाफ होती है, एक मेरी प्लस हाफ होती है, एक माइनस हाफ। कहोगे प्लस हाफ माइनस हाफ कैसे लिखा, मैंने कहा प्लस आई से लेकर माइनस आई तक चले जाओ, तो प्लस आई यहाँ पे क्या था, आई क्या था यहाँ पे हाफ था, तो आई की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ, मेरे पास स्पिन स्टेट डिस्क्राइब हो गई है। इस तरीके से हमने इसकी स्पिन स्टेट डिस्क्राइब कर दी। सेकंड बात अगर मैं करता हूँ 13C के लिए भी आई की वैल्यू जो होती है वो हाफ ही होती है। अगर 13C की आई की वैल्यू भी हाफ है तो इसके लिए भी जो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट होंगी, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स होंगी, वो भी यहाँ पे मेरे पास 2 निकल के आएंगी। फॉर्मूले में जैसे पुट करोगे वो भी 2 निकल के आएंगे, और वो भी 2 भी इस तरीके से डिफाइन होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 14 and 7 की, इसके लिए आई की वैल्यू जो होती है वो 1 का, देखो यहाँ पे हमने कहा था कि मास नंबर जब इवन हो जाएगा तो वहां पे आई की वैल्यू 1 का इंटीग्रल, तो इसकी आई की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अब याद रखनी पड़ेगी ये सब बातें, तो भाई कुछ बेसिक की तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, बाकी सब की तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी अगर नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स पूछा होगा तो। कोई भी एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अगर वो NMR एक्टिव है, उसकी कुछ ना कुछ स्पिन प्रेजेंट है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी न्यूक्लियस जब जाता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपने एनर्जी लेवल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। वो सब मैं फिनोमिनन अभी समझाने वाला हूँ, पर अभी के लिए इतना ही काफी है। अभी जस्ट इससे नेक्स्ट वो समझने वाले हैं, फटाफट एक बार इसको खत्म करते हैं फिर उसी कॉन्सेप्ट पे आने वाला हूँ। तो अगर इसकी मैं बात करूँ आई की वैल्यू 1 की, तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट होंगी, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पिन है 2 × 1 + 1, यहाँ पे जो आएगी टोटल 3 आएगी। अब ये 3 जो होती है, हमने कहा यहाँ पे इस तरीके से आई जो होगा प्लस आई से लेकर माइनस आई तक जाएगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, तो यानी प्लस 1 आएगा मेरे पास, एक प्लस 1 आएगा, एक मेरे पास फिर आएगा माइनस 1 करूंगा, प्लस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, और फिर माइनस आई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे माइनस आई यानी माइनस 1 मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी 3 स्पिन स्टेट्स है। तो ये किसी भी न्यूक्लियाई की कितनी स्पिन स्टेट होंगी वो डिपेंड करता है उसकी आई वैल्यू क्या होगी, उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये होगा नंबर ऑफ स्पिन स्टेट निकाला किसी भी एक न्यूक्लियाई की। और क्योंकि
अब यहाँ पे 1H1, 13C और 4N, 14N, 7, अगर मैं ऐसे देखूँ तो वैसे दुनिया में बहुत सारे NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, बहुत सारे हैं, पर इनमें से जो कॉमनली स्टडी किए जाते हैं, सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है वो 1H1 स्टडी किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 13C, ये दोनों ही कॉमनली स्टडी किए जाते हैं। और सबसे अगर देखो यहाँ पे 14N की बात, NMR एक्टिव तो ये भी है पर 14N को हम ज्यादा स्टडी नहीं करते। क्यों स्टडी नहीं करते उसका मैं रीजन बता रहा हूँ, मेरा सामने देखना। वो स्टडी ना करने का रीजन, दो रीजन है कंबाइन बता रहा हूँ। एक तो आपने पीछे देखा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना। और एक मैं आगे बता रहा हूँ, जरा सामने देखना, ये जो चीजें होती है कि N7 14 को ज्यादा पढ़ने का रीजन, ना होने का रीजन जो है वो उसकी शेप ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। अगर मैं तुमसे पूछूं शेप ऑफ न्यूक्लियस, तो तुम कहोगे शेप ऑफ न्यूक्लियस तो सर स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस सर, न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, हमेशा नहीं होता भाई। न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है उसकी क्वांटम स्पिन, यानी कि क्वांटम जो स्पिन, क्वांटम नंबर तुम निकाल रहे हो वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर न्यूक्लियस की स्पिन शेप की बात करें तो हम कहेंगे आई की वैल्यू अगर हाफ है और आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हाफ है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है, इस तरीके से मैं डिस्क्राइब करूं, तो जब आई की वैल्यू हाफ होती है तो उसके लिए जो न्यूक्लियस होता है, उसके लिए जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप में आता है। अब तुम कहोगे सर ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, ये आई की वैल्यू जो होती है स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करती है, और ये जो होता है वो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना मैग्नेटिक चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंटम का चेंज क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होती है वो जीरो आती है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो होती है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। आई की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन हाफ जिसके लिए हो जाएगी, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंटम की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसकी वजह से नॉन स्फेरिकल हो जाता है, स्फेरिकल नहीं रहता, इलिप्सॉइड तरीके से बन जाता है, स्फेरिकल नॉन स्फेरिकल हो जाता है, यानी यहाँ पे शेप स्फेरिकल होगी, यहाँ पे नॉन स्फेरिकल होगी। एक तरीके से एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नॉन स्फेरिकल हो सकता है, एक वाई डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे तुम्हारे पास पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ये इलोंगेटेड हो सकता है न्यूक्लियस। इसकी वजह से ऐसे न्यूक्लियाई को हम नाम देते हैं, स्फेरिकल न्यूक्लियाई को नाम देते हैं क्वाड्रिपल, नॉन क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई, और इसको हम नाम देते हैं क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो क्वाड्रिपल नॉन क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई होते हैं इनके लिए कहानी होती है। नॉन क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई के लिए जो सिग्नल आते हैं ग्राफ में, वो क्लियर होते हैं, और इनके लिए जो सिग्नल्स आते हैं वो डिस्टर्ब्ड सिग्नल्स आते हैं, बड़ा ही सिंपल मेथड है, इसको हम ज्यादा डिटेल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी के लिए बिल्कुल हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल्स। बस इतना ध्यान रखना, स्फेरिकल्स में सिग्नल क्लियर आते हैं, नॉन स्फेरिकल्स में सिग्नल जो होते हैं वो डिस्टर्ब आते हैं। क्यों आते हैं उसके लिए पीछे देख लीजिए, ये रहे आपके पास क्वांटम स्टेट्स, ये तुम्हारे पास स्पिन स्टेट्स हैं। ट्रांजिशन एक ही पॉसिबल है और ट्रांजिशन तुम्हारे पास एक से ज्यादा पॉसिबल है, जब एक से ज्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे तो उसके कोरस्पॉन्ड नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा एक तरीके से कंज्यूम होंगे, तो सिग्नल्स जो होंगे वो डिस्टर्ब केस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मेरे पास ट्रांजिशन के बेस पे और स्फेरिकल के बेस पे यहाँ पे हम कहेंगे ये जो सिग्नल देते हैं वो डिस्टर्ब देते हैं, और ये जो सिग्नल देते हैं वो क्लियर सिग्नल देते हैं, इसीलिए 1H1 और 13C को ज्यादा पढ़ा जाता है इन कंपेरिजन टू 14N। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ 14N7 को वाई वी नॉट स्टडी सो मच, किसको हम ज्यादा स्टडी क्यों नहीं करते, तो उसका जो रीजन है वो यहाँ पे ये है कि इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्वाड्रिपल न्यूक्लियाई होते हैं, और उसके अंदर जो सिग्नल आता है वो डिस्टर्ब्ड सिग्नल आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मुझसे पूछा जा सकता है कि 1H1 13C और 14N में 14N कम क्यों पढ़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल आता है वो डिस्टर्ब सिग्नल आता है, जिसके से हम इसको स्टडी नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, करते भी हो मे भी बहुत कम करते हैं। ये हमारे कॉमन बातें सारी न्यूक्लियस के बारे में कर लिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, चीजों को आगे बढ़ाते हैं और इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं। अब मेरे ये बात एक समझ में आ गई है, 1H1, 13C और 14N में सबसे जो सिंपलेस्ट होता है वो 1H1 होता है, तो हम पहले 1H1 आराम से पढ़ेंगे। तो 1H1 की जब मैं स्टडी की बात करता हूँ, 1H1 न्यूक्लियाई, 1H1 की स्टडी की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, 1H1 न्यूक्लियाई, 1H1 न्यूक्लियाई, यहाँ पे मास नंबर इसका 1 है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटोन प्रेजेंट होता है, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटोन प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटोन प्रेजेंट है। तो 1H1 NMR इसको हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस या PMR के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटोन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इसको हम 1H1 को हम NMR के नाम से, 1H1 NMR या फिर PMR के नाम से भी जानते हैं। अब सामने देखिएगा, 1H1 NMR और PMR के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे और बात करते हैं 1H1 और PMR के अंदर, 1H1 के हमने देखा कि इसकी I की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, I की वैल्यू हाफ। दूसरी बात,
नंबर ऑफ स्पिन स्टेट निकालते हैं, नंबर ऑफ स्पिन स्टेट फॉर्मूले से निकालेंगे नंबर ऑफ स्पिन स्टेट को, तो ये निकल के आएगा 2i + 1, यानी यहां से आएगी टू वैल्यूज, दो आएगा स्पिन स्टेट, एक को हम कहेंगे प्लस हाफ होती है, एक को हम कहेंगे माइनस हाफ होती है, एक को हम कहेंगे प्लस हाफ होगी, एक मेरे पास माइनस हाफ होगी, दो स्पिन स्टेट आ चुकी है। यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होगा वो ऊपर की तरफ जाके अपने स्पिन को चेंज कर लेगा, यही मेरे पास एक ही फिनोमिनल प्रेजेंट है 1H1NMR के अंदर। पर अगर मैं बेसिक की बात करूं, अभी तो मैंने 1H1 को टोटल देखा है, पर ये जो स्टेट तुम यहां पे देख रहे हो ना, ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, या एक मतलब एक बाद का फिनोमिनल है। अगर मैं न्यूक्लियस के दो अलग अलग फिनोमिनल बताऊं, 1H1 के न्यूक्लियस के या कोई भी न्यूक्लियस दुनिया का, तो किसी भी न्यूक्लियस को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या उसके स्टेट को, उसकी प्रेजेंस को दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक, उस न्यूक्लियस को आइसोलेटेड स्टेट में ले जाओ, मतलब उसके अगल बगल में कोई नहीं है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब तुम कहोगे सर न्यूक्लियस यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यहाँ पे, आइसोलेटेड स्टेट में कह रहा हूं, मतलब बिल्कुल आइसोलेटेड स्टेट में, मतलब कोई भी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं प्रेजेंट वहां पे। तो अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस दो कंडीशन मैंने बना दी, न्यूक्लियस इन आइसोलेटेड स्टेट, मतलब उसके अगल बगल में कुछ नहीं है, आइसोलेटेड स्टेट, और दूसरी कंडीशन है न्यूक्लियस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसी न्यूक्लियस को जब तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हो, तो देखते हैं दोनों के अंदर क्या चेंज आते हैं। यहां से तुम्हारी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई या स्टार्ट होती है, अब ध्यान से जरा देखते रहना, बस मजा आने वाला है। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, अगर आइसोलेटेड स्टेट में कोई नहीं है बाहर, तो कैसा दिखाई देगा 1H1 का न्यूक्लियस? एक बात तो श्योर है, चाहे वो आइसोलेटेड हो चाहे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, स्पिन स्टेट कितनी होगी? दो होगी, स्पिन स्टेट तो दो ही होगी। पर जब एक्सटर्नल आइसोलेटेड की बात करते हैं, आइसोलेटेड के केस में जो स्पिन होती है, हमने पता है कि इसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं हम, एन और पी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इसको क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं और इसकी एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं इस तरीके से, तो दोनों के अंदर मैंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट कर दिया। अगर 1H1 है तो यहां पे सिर्फ प्रोटॉन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आइसोलेटेड स्टेट में दोनों की जो एनर्जी स्टेट होती है, दोनों की जो एनर्जी स्टेट होती है वो डीजनरेटेड स्टेट में होती है। अब तुम कहोगे सर कैसे हो गया, मुझे एक बात बताओ, एक न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ये वाला है, दोनों के अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर मान लो सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है, चेंज काहे का, सिर्फ यहां पे डायरेक्शन का चेंज है। अगर मैं डायरेक्शन बताऊं, ये न्यूक्लियस है, इसकी डायरेक्शन जो होगी बीएन अपवर्ड होगी राइट हैंड थंब रूल से, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बीएन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, पर मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से जब इसकी एनर्जी की बात करते तो तुम साफ साफ देख लो यहाँ पे कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन के अलावा, अगर इन दोनों में डायरेक्शन के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इनकी एनर्जी स्टेट भी सेम लेवल पे होगी, यानी इन दोनों न्यूक्लियाई की जो एनर्जी होगी बिल्कुल सेम होगी। अगर मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, लेट्स सपोज एनर्जी बढ़ रही है ऊपर की तरफ, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो यहां पे अगर है, ये मान लो क्लॉकवाइज की एनर्जी है, तो जो इसकी एनर्जी होगी वो इसके बराबर में ही होगी, इधर ही होगी, दोनों की एनर्जी इक्वल लेवल पे ही होगी। इसको हम कहते हैं डीजनरेटेड एनर्जी पे होते हैं, डीजनरेटेड स्टेट पे होते हैं, आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट दोनों की एनर्जी बराबर होती है। पर जैसे ही न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, जरा देखना क्या होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे मान लो एक बड़ी सारी मैग्नेट लगा दी है, और इस बड़ी सारी मैग्नेट के अंदर मैं इन दोनों न्यूक्लियाई को उठा के लेके जाना चाहता हूँ, दोनों न्यूक्लियाई को उठा के लेके जा रहा हूं, दोनों न्यूक्लियाई को जब उठा के लेके जाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे पास एक ये क्लॉकवाइज होगा, एक मेरे पास ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों न्यूक्लियाई मेरे पास यहाँ पे, दोनों न्यूक्लियाई को एज इट इज उठा के ले गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो मुझे पता है न्यूक्लियस जो होते हैं, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, सब कहानी हमने लिख दी यहाँ पे। पर ध्यान देना, यहाँ पे हमने कहा था कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक टिनी मैग्नेट होता है, और हर एक टिनी मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसके साउथ पोल नॉर्थ पोल होंगे। अगर मैं लेट्स सपोज इसके साउथ पोल नॉर्थ पोल डिफाइन कर देता हूं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल डिफाइन कर देता हूं, तो हमने कहा था कुछ भी मान लो, लेट्स सपोज इसको एन मान लिया, ये नॉर्थ है तो ऑब्वियसली बात है साउथ होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये एन है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एस होगा साउथ होगा और ये वाला नॉर्थ होगा, ये मैंने साउथ नॉर्थ डिस्क्राइब कर दिए। तुम कहोगे सर इसको साउथ ले लो, मैंने कहा कर लो, साउथ करोगे तो क्या हो जाएगा नॉर्थ, अगर ये साउथ है तो क्या हो जाएगा नॉर्थ, और ये नॉर्थ है तो क्या हो जाएगा साउथ, अपोजिट हो जाएंगे और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के मैंने यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स डिफाइन कर दिए हैं। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लेट्स सपोज पोल्स डिफाइन कर देता हूँ, मान लिया कि मान लो ये वाला मेरे पास नॉर्थ है, इसको मैं साउथ मान लेता हूँ, इसको मैं नॉर्थ मान लेता हूँ, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिए। अगर ये डिस्क्राइब कर दिए
तो सबके साउथ पोल नॉर्थ पोल डिफाइन तुमने डिफाइन कर दिए, और साउथ पोल नॉर्थ पोल का खेल तुम जानते ही हो क्या होगा। देख रहे यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ही अगर मैं बात करूंगा इस वाली स्टेट की जो क्लॉकवाइज घूम रही थी, तो बताओ इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल के बराबर आ रहा है। और जब साउथ पोल नॉर्थ पोल जब सेम मेरे पास जब अपोजिट पोल पास आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। और जब अपोजिट के साथ में यहाँ पे सेम पोल मेरे पास देखो अपोजिट पोल पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन होगा, और जब मेरे पास सेम पोल पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा रिपल्शन होगा। जब तुमने कोई भी बचपन में काम किया होगा, दो मैग्नेट्स को लेते हो पास लाते हो, तो एक बार जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाते हो तो वो चिपक जाती है, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके आते हो तो वो रिपेल करती है। तो यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन, ये चिपक जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा ये रिपल्शन, या इसको चिपकना या रिपेल करना हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो यह जब साउथ पोल नॉर्थ पोल अपोजिट पास में आते हैं अट्रैक्शन होगा, और जब सेम पास में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा रिपल्शन। तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ, यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा अट्रैक्शन हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा अलग अलग सेम आ रहे, तो मेरे पास यहाँ पे रिपल्शन फील हो रहा होगा। तो मेरे पास मैं कहूँ यहाँ से देखो नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन अपोजिट है, नॉर्थ नॉर्थ सेम है रिपल्शन, साउथ साउथ सेम है रिपल्शन, यानी ये वाली स्टेट जो है वो अट्रैक्शन फील कर रही होगी और ये वाली स्टेट जो वो रिपल्शन फील कर रही होगी। तो जब जब दुनिया में अट्रैक्शन फील होता है तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता है। एग्जाम्पल की तरह से जब तुम किसी दो एटम को ऐसे रेंडमली छोड़ देते हो तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है उनके बीच में अट्रैक्शन हुई, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या हो जाता है स्टेबलाइज हो जाता है। दुनिया में जिसके पास भी एनर्जी ज्यादा है वो एक्साइटेड है, और जिसके पास भी एनर्जी कम है वो एक रिलैक्स स्टेट में कह सकते हैं, एक स्टेबल स्टेट में। जैसे मेरे पास अभी एनर्जी ज्यादा है, मैं यहाँ पे चप 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 कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद एनर्जी कम हो जाएगी, मैं जाकर सो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। तो एनर्जी ज्यादा तो एक्साइटेड, एनर्जी कम तो स्टेबल। तो क्योंकि अट्रैक्शन के बाद एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे मेरे पास कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आ जाएगा इस स्टेट में, और यहाँ पे रिपल्शन की वजह से, यहाँ पे रिपल्शन जब फील होगा तो इस स्टेट में एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होगी, तो यहाँ पे रिपल्शन में जब एनर्जी लगेगी तो ये वाली स्टेट तो स्टेबल हो जाएगी और ये वाली स्टेट अनस्टेबल हो जाएगी। मतलब अभी तो देखो ध्यान से, अभी मैं क्या कर रहा था, ये वाला जो कंडीशन था ये वाली जो स्टेट थी ये आइसोलेटेड स्टेट थी। आइसोलेटेड स्टेट में दोनों डिजनरेटेड होते हैं, पर अगर मैं बात करता हूं आइसोलेटेड के बजाय इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ग्राफ देखूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये स्टेट क्या होगी, जो क्लॉकवाइज घूम रहा था वो तो नीचे स्टेबलाइज हो जाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था वो ऊपर जाके अनस्टेबल हो जाएगा। यानी ये वाले न्यूक्लियाई जो होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये वाले न्यूक्लियाई होंगे ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पे डीजनरेटेड स्टेट से क्वांटाइज स्टेट क्रिएट हो जाएंगी। मेरे पास दो अलग अलग स्टेट क्रिएट हो जाएंगे, इसको हम एक को प्लस हाफ कह देते हैं और एक को माइनस हाफ कह देते हैं। तो जो तुम्हें प्लस हाफ माइनस हाफ देखते हो ना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है, आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होता है, आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होता है। अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, देखो अब थोड़ा सा रिसर्च टाइप की बात हम करने वाले हैं। ये तो हमने देख लिया अट्रैक्शन हुआ तो स्टेबलाइजेशन, यानी यहां पर हम कहेंगे ये किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, ये अट्रैक्शन के कोरस्पॉन्डिंग होगी। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये अट्रैक्शन के कोरस्पॉन्डिंग होगी और ये रिपल्शन के कोरस्पॉन्डिंग। अट्रैक्शन हुआ तो मेरे पास स्टेबलाइजेशन आया, रिपल्शन हुआ तो मेरे पास डिस्टेबलाइजेशन आया, यानी उसकी एनर्जी एक्साइटेड एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ऊपर की तरफ चला गया। अब इन दोनों देखो क्वेश्चन ये आया कि तुमने कभी सोचा है एनएमआर के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द एनएमआर। बाकी सब स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो मैं कोई इतनी बड़ी बड़ी टेस्ला की मशीन तो नहीं लगाते हम, एनएमआर के अंदर तुमने देखा होगा एक स्पेसिफिक रूम होता है जिसके अंदर वुडन, कभी कोई मान लो एमएससी का बच्चा जो होगा वो अगर अपनी लैब में गया होगा एनएमआर की में, तो वहां पे देखा होगा उसने वहां पे बहुत सारे वुडन ब्लॉक की तरीके से पूरे एक रूम क्रिएटेड होता है, मेटल की चीज बहुत कम होती है क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड यूज करते, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चन ये है, फटाफट कमेंट में लिखकर बताओ कि हमें एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मान लो एनएमआर में एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो क्या होता है एनएमआर का, रवि कुमार भूपेश मैं एग्जांपल दे दूंगा, क्लोरीन 1735 निकाल लेना, 3/2 होता है, उसके लिए निकाल के देखना कितने आते हैं, चार आएंगे।
शिवम दुबे कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता नीचे आने का ऊपर आने का, बस यूज करते हैं हम इसलिए करते हैं। वेरी गुड बच्चों, टू जनरेट डिफरेंट एनर्जी स्टेट स्प्लिट कराने के लिए स्पिन ट्रांजिशन नोट ऑकर नहीं होगा स्लाइड। हाँ मैं इसके ना डिस्क्रिप्शन में अभी तो सेव करके फिर इसको अपलोड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से मिल जाएगा। ओके हाँ मैं एक फैसिलिटी और दे रहा हूँ भाई, नोट्स जो होंगे ना ये सारे मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे, पर आफ्टर द लाइव क्लास ही अपलोड होंगे 10-15 मिनट के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्लास खत्म होने के बाद ही सेव होगी चीजें। अरे कंपाउंड कलर्ड नहीं होंगे, कंपाउंड कलर कंपाउंड कहाँ पढ़ रहे हैं भाई ज्ञानेंद्र पांडे, यही तो दिक्कत है। हम किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को किसी में मर्ज कर देते हैं, कंपाउंड कलर की केमिस्ट्री को हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, यूवी विजिबल में, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाके पढ़ेंगे उसको, कलर वलर को, कलर यहाँ नहीं होते। सामने देखिएगा क्यों पढ़ी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में, लेट्स सपोज मैंने छुपा लिया, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हूँ, मेरे पास ये कंडीशन नहीं है, मैंने इसको लिखा ही नहीं, मान लो लेट्स सपोज भूल जाओ यही नहीं वाली, अगर मैं एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियाई को नहीं लेके जाता तो क्या होता, ये वाली चीजें होती, ये दोनों न्यूक्लियाई बेचारे अपने यहाँ पे इक्वल एनर्जी के स्टेट में पड़े रहते। अगर इक्वल एनर्जी के स्टेट में पड़े रहते तो एनएमआर कैसे होता है, एनएमआर होता है रेडियो वेव को न्यूक्लियस पे डाल दो, तो भाई ये रहे न्यूक्लियस, ये मैंने यहाँ पे एक ये रहे न्यूक्लियस, एक मिनट, ये यहाँ पे न्यूक्लियस पड़े हैं आपके, और यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगा दिया रेडियो वेव का, आ रही है रेडियो, रेडियो वेव आ रही है, रेडियो वेव आ रही है, रेडियो फेंक दो इसके ऊपर, रेडियो क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं है, जब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप ही नहीं है, तो तुम कितनी भी रेडियो वेव डालो यहाँ पे चला के तक आएंगे चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेडियो वेव की पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए पर्टिकुलर एनर्जी गैप होना चाहिए, वो यहाँ पे है ही नहीं, ये दोनों के दोनों डिजनरेटेड स्टेट प्रेजेंट है। तो रेडियो वेव आएंगे ट्रेवल करती हुई, आई ये लो ये रेडियो वेव आ गई, रेडियो वेव आ गई, आके घूम के चली जाएंगी, यहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव, आइसोलेटेड स्टेट में एब्जॉर्प्शन ही पॉसिबल नहीं होता। तो नहीं एब्जॉर्प्शन देखो, जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक तुम एनालिसिस नहीं कर सकते, ना तो तुम्हें चेंज बता सकते हो न्यूक्लियस में क्या होगा, ना एब्जॉर्प्शन के बाद तुम्हें पता लगे कौन सी वेव एब्जॉर्ब हुई है। तो जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो काई की स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यानी यहाँ पे एनएमआर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो फिर एनएमआर जनरेट कैसे होगा, जब तक उनके बीच में ट्रांजिशन, जब तक उनके बीच में एनर्जी गैप जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे एनर्जी गैप जनरेट करने के लिए हमने इनको आइसोलेटेड से, आइसोलेटेड स्टेट से इसको एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए। जैसे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, कुछ तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे और कुछ उसको अपोज करेंगे, ये अलाइन हो गए ये अपोज कर रहे हैं, जो अलाइन हो जाएंगे वो यहाँ पे अट्रैक्शन फील करके अलाइन होके वो अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, और जो अपोज कर रहे होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी एनर्जी स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, और दोनों के बीच में एक डेल्टा ई एनर्जी गैप क्रिएट हो जाएगा, डेल्टा ई एनर्जी गैप क्रिएट हो जाएगा। और इसी डेल्टा ई एनर्जी गैप को फिल करने के लिए अब आएंगी सोर्स से रेडियो वेव्स। यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगा दिया है, इस सोर्स से मैंने रेडियो वेव्स को फेंकना स्टार्ट कर दिया, रेडियो वेव्स ईएमआर आ रही हैं, इन रेडियो वेव्स की एनर्जी जो होती है वो सफिशियंट होती है कि यहां से यहां ट्रांजिशन करा सके, जितनी एनर्जी इसको यहाँ से आ जाने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो रेडियो वेव आएगी आएगी आएगी, इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होगी, यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी, रूप में मेरे पास ट्रांजिशन करा देंगी, और इसी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन। आई न्यूक्लियस पे टकराई, अब्जॉर्ब हो गई और चली गई, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन करा दिया, यही तुम्हारे पास इसका जो एक तुमने फिनोमिनन पढ़ा वो देख लिया यहाँ पे, कैसे न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है। रेडियो आई यानी रेडियो को अब्जॉर्ब करने के लिए एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाना पड़ा, अब्जॉर्ब हुई और चली गई। तो ये पर्टिकुलर जो डेल्टा ई एनर्जी गैप है ये एक रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे बताओ ये मैं कह रहा था कि ये तो मेरा आइसोलेटेड स्टेट में है, और ये मेरा जो सिचुएशन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाले सिचुएशन है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी नोट से रिप्रेजेंट करता हूं, बी नोट यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी एन था मैग्नेटिक फील्ड वो न्यूक्लियस, बी नोट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे
अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो यहां पे मैं बी नोट की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे तुम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड पर जाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, मान लो पहले एक टेस्ला छोड़ा, फिर तुमने दो टेस्ला छोड़ दिया, तो जैसे जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा, मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबलाइजेशन, मोर अट्रैक्शन के बाद मोर स्टेबलाइजेशन हो गया, मोर रिपल्शन जब होगा तो एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी, ये ऊपर वाली स्टेट और ऊपर हो जाएगी। जितना ज्यादा तुम यहाँ पे बी नोट की वैल्यू को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा, और रिपल्शन ज्यादा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेबलाइजेशन भी ज्यादा, यानी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब बी नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही एनर्जी गैप भी बढ़ता जाएगा। यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि जो डेल्टा ई एनर्जी गैप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी नोट के। जितना ज्यादा बी नोट बढ़ेगा उतना ज्यादा ही डेल्टा ई बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो उनके बीच का, एनर्जी स्टेट्स के बीच का, या मैं कहूँ कि जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स हैं उनके बीच का एनर्जी गैप भी बढ़ता जाएगा। आपके सामने साफ साफ रिप्रेजेंट है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया है क्या? फटाफट बताइए। विशाल ठाकुर, इट्स नॉट अबाउट द वेवलेंथ, इट्स अबाउट द एनर्जी। वेवलेंथ ज्यादा है एनर्जी कम होगी, और उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है। इंटरेक्शन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल बताया। अरे हाँ, इधर देखो भाई, अभी सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल की बात हुई है, जो इसका मेन प्रिंसिपल है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रसेशन कहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्या होता है प्रिंसिपल प्रसेशन, मैं आपको एक बार इधर देखो ध्यान से बता देता हूँ। देखो ध्यान से, अभी तक हमने क्या बात देखी है, हमने अभी तक देखी है कि एक आइसोलेटेड स्टेट से कैसे ये एनर्जी स्टेट जो होती है वो डीजनरेटेड से कैसे वो डिफरेंस लेवल पे आती है, वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की। यानी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियर कैसा दिखता है वो हमने देख लिया है। पर क्वेश्चन तो ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो तुम्हें समझ में आएगा, इसको इस तरह से दिखाता हूं। क्वेश्चन तो ये है, जो आने वाली रेडियो वेव है, ये रेडियो वेव है, इसका इंटरेक्शन तुमने तो समझ लिया, रेडियो वेव आएगी, ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर चला जाएगा, पर ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट, रेडियो वेव का ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट जो न्यूक्लियाई है इसके साथ इंटरेक्शन कैसा होगा, वो इंटरेक्शन कैसा होगा वो डिस्क्राइब करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रसेशन। यानी ये जब इसके साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, ये जो आने वाली वेव इसके साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, उस कंडीशन पे क्या कहानी हो रही होगी, उसी को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रसेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो कल होगा। तो आज के लिए काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक ठाक है, ज्यादा पढ़ा होगा तुम्हारा दिमाग भी उड़ जाएगा, इतना सफिशिएंट है आज के लिए। तो हमने यहां पे आज देखा है कि आइसोलेटेड स्टेट और एक्साइटेड, सॉरी, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या डिफरेंस आता है। हमने स्टेट देख ली, हाँ भाई इतना एनर्जी गैप क्रिएट हो गया, रेडियो वेव आएगी, अब्सॉर्ब करके चला जाएगा, पर ये एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इस वेव का इस न्यूक्लियर के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, उस इंटरेक्शन को डिफाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रसेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसी को हम प्रिंसिपल प्रसेशन या प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस न्यूक्लियस का या एनएमआर का नाम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस आना जाता है, ठीक है। हाँ, सच्चे लेक्चर रेगुलर ही होंगे, कुछ कुछ डिसाइडेड टॉपिक है, मोर देन सफिशिएंट साइड वनी, और मुदाशी कोई बात नहीं, अभी टू डी अभी थोड़ा सा अभी लाइव के बाद डाउनलोडेबल हो जाएगा, अब उसको देख लेना, फिर उसके बाद स्ट्रीमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। कल की टाइमिंग भी सेम होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। इन्फॉर्मेशन आप है ना, आप सब लोग फेसबुक का जो केम एकेडमी का पेज है उसको जरूर लाइक करें, और इनफैक्ट यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर ले। कल मैं सुबह सुबह अपडेट करा दूंगा कितने बजे लेक्चर होगा, मतलब 11 या 1 बजे तक आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अपडेट जो होगा वो देखते रहे, और फेसबुक पेज पे हम ज्यादा मतलब वो उस पर रेगुलरली पोस्ट डलता रहता है, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग का पता लगता रहेगा,
तो फेसबुक पेज कैमरे अकेडमी का और यूट्यूब चैनल दोनों को चीज़ों को फेसबुक को लाइक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों तक ये सी चीज़ें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, सब अपने अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे दोस्तों तक ये बातें पहुँचें और सब के सब इस फ्री स्टडी मटेरियल का जो हम अभी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, वो सब इस सिचुएशन में एक साथ आए और आराम से बैठ के अपने लेक्चर्स की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो जितने भी सारे दोस्त हैं तुम्हारे उन सब तक अपना ये लेक्चर शेयर करो, सबके सब शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना पिटोगे मेरे से। ओके ओके, थैंक यू सो मच शताब्दी चंदा। यस मीनाक्षी, रिचा कैमिस्ट, रिचा एक बार आप, मैं बोल देता हूँ मैडम को, वो करवा देंगी। नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब के लेक्चर अलग हैं भाई और ऑनलाइन वाले क्लासेस वाले अलग हैं, पर यूट्यूब पे रेगुलर होंगे। शिवम दुबे, बहुत सारे टॉपिक कवर, अभी लिस्ट हमने बनाई नहीं है, पर अब तो ये कि हमने सोच लिया कि ठीक है अब हम मैक्सिमम लेक्चर यूट्यूब पे देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है तो उस टाइम पे हम मैक्सिमम लेक्चर कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। स्पेक्ट्रो तो आ ही गया, इतना बड़ा टॉपिक आपके पास होगा, वेसर आ रहे हैं तो एक बड़ा टॉपिक और आएगा आपके पास, ऑब्वियस सी बात है, तो वेसर भी आएंगे, मे बी कल परसों से कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ, तो फिर और मजा आने वाला चीजों को लेके। ओके होगा शशिकांता, ओके बच्चों चलो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, शाम को डेली अब कैम अकेडमी के साथ मिलेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों को उतना ज़्यादा पता लगेगा, तो मैं चाहूँगा कि आप सब अपने दोस्तों को शेयर करें। होगी भाई ज्ञानेंद्र पांडे, होगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। शुभम शर्मा, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्लोज इज नॉट अलाउड एज पर कैम अकेडमी, ठीक है, कुछ नॉर्म्स होते हैं। ठीक, आपको अगर बात करनी हो तो आप किसी भी ऑफिस नंबर पे कॉल करके कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर सकते हैं मेरे से। हाँ 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 पक्का, अभिषेक कुमार डेफिनेटली, तभी तो आए हैं भाई। खुशी उपमान, ओके, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हाँ मैं कहूंगा कि सब अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, हाँ एनालिटिकल की भी कोशिश करेंगे, शायद एनालिटिकल भी लिस्ट में है, लाइव क्लास रखेंगे कि। ओके ओके बच्चों, ये जो पीडीएफ है इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं ड्राइव पे अपलोड करा के आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप अभी देखते कितना टाइम लगता है, अभी रिसेंटली मैं साथ साथ ही कर देता हूँ, तो जैसे ही आप 10-15 मिनट बाद देखोगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जितने भी स्लाइड्स हैं सब के सब मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब क्लियर तरीके से, मान लो किसी को लाइव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम भी दिखाओ स्पीड की वजह से, उनके नेटवर्क स्पीड के हिसाब से मेरी तरफ से बहुत सही चल रही है, तो ये सब कुछ क्लियर नजर आएगा उनको, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट्स बनाने में आसानी होगी, या फिर इसी पेजेस का या इन्हीं स्लाइड्स का प्रिंटआउट निकाल लेना, उसी पे अपने नोट्स बना लेना, सफिशियंट है, टाइम बचेगा, यही तो ये चीज़ें है, फायदा है डिजिटल बोर्ड का। ओके हाँ हाँ ओके, एनालिटिकल भी होगी भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होगी, ये जो पूछ रहा था एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आएगी। ओके रिचा, हाँ बिल्कुल धीरज संगर, असाइनमेंट असाइनमेंट सब होगा, टेस्ट भी होगा, जो जो यहाँ पे लेक्चर होंगे पूरा लेक्चर होंगे उसके साथ साथ लेक्चर वाइज टेस्ट, लेक्चर वाइज सॉरी असाइनमेंट्स मिलेंगे और असाइनमेंट के साथ साथ उसका टेस्ट भी होगा, लास्ट में जाके कंप्लीट जाके टेस्ट भी कराएंगे, फ्री टेस्ट भी कराएंगे। ठीक है, वो चैप्टर खत्म होने के बाद फ्री टेस्ट होता रहेगा। ओके बच्चों, सारे अरे जितनी फैसिलिटी है सब देंगे, टेंशन ना लो, बस तुम कनेक्ट होते जाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, सबको कनेक्ट करो, जितना ज़्यादा इस, ये हमारा एक छोटा सा एफर्ट है कि हम इस सिचुएशन में अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सके। तो आप सब जो वहाँ पे घर पे बैठे हो, फंस गए हो, किसी ना किसी चीज़ से इनकम सोर्स बंद हो गया है, सब चीज़ें कम हो गई और पढ़ाई करनी है, तो ये उसी चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग डिसाइड किया गया है, तो आप सब अपने दोस्तों को शेयर करें खुल के, अब फ्री से मस्त में पढ़ेंगे आराम से कुछ। ठीक है, अभी तो भाई एनएमआर स्टार्ट होगी, आईआरबी में पढ़ाऊंगा, यूवी भी मैं पढ़ाऊंगा, तो एनएमआर के बाद पहले एनएमआर 1H1 आएगा, फिर उसके बाद 13C आएगा, उसके बाद आईआर स्टार्ट होगी, उसके बाद यूवी होगा, नेक्स्ट क्लास कल होगी भाई। मुदाशीर कश्मीर, बिल्कुल कोशिश करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी। ओके थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।
जैसे तुम कोशिश होगी अनूप सर भी आएंगे टाइप, जैसे सिचुएशन ठीक होती है। ओके बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ, ठीक है, घर पे रहना, दूसरों से दूर रहना, अपने आप को भी सेव करो और दूसरों को भी सेव करो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, शेयर करो, लाइक करो, दूसरों तक बातें पहुंचाओ।